शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या कुर्बानी की है आपने और आपके पति ने? तो आपको इसमें दस्तक चाहिए है? ये लीजिए। ये हाथ पांव छूने के लिए नहीं, सर पे रखकर आशीर्वाद देने के लिए। वो क्या है कि सावित्री आज फिर आखिर सेठ जी के लिए आप कब तक अपनी जान खतरे में डालेंगे? देखो सावित्री, सेठ जी के हम पर बहुत एहसान है। अगर मेरे खून का एक एक कतरा भी उनके किसी काम आ सके तो भी कम है। लेकिन अपनी जान खतरे में डालने के बजाय आप पुलिस को क्यों नहीं बता देते? वो मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि सेठ जी के सौतेले भाई गिरधर पर मुझे सिर्फ शक है, पूरा यकीन नहीं। आप दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए। याद करो सावित्री, जब अपना अर्जुन बहुत बीमार था और यहाँ के सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था तो सेठ जी ने अमेरिका से डॉक्टर्स बुलवाए थे, लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया था। क्या हम उनके एहसान कभी भूल सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हो भीम सिंह? सावित्री की वजह से आज हमारा राजकुमार जिंदा है। मां के दूध की कीमत भला पैसे से चुकाई जा सकती है? अगर तुम दोनों नहीं होते तो हमारे खानदान का नामो निशान तक मिट गया होता। सेठ जी, आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता? नहीं भीम सिंह, आज कुछ बात ही ऐसी है कि हमें खुद आना पड़ा। आज हमने अपनी पूरी जायदाद का ट्रस्टी सावित्री बहन को बना दिया। जी, मुझे? हाँ बहन, हम लोगों की जान को तो हमेशा खतरा ही रहता है, इसलिए अगर हमें कुछ हो जाए तो राजकुमार की देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। वैसे भी राजू तो तुम्हें अपनी मां ही समझता है। पिताजी जी, ट्रस्ट के कागजात सावित्री बहन के हवाले कर दीजिए। ठीक है। और जब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते हैं राजकुमार को हमारे दोस्त माथुर के पास लंदन भिजवा दीजिए। ओके सर जी, आपने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, कहीं लोग इसे गलत ना समझ बैठे कि कहीं हम आपके पैसे। मैं लोगों की परवाह नहीं किया करता। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है। अब फिर मेरा तुम लोगों के सिवा है। देखभाल करूंगी। बेटा जी, आप राजा को लेकर यहाँ से चले जाइए। लेकिन आपको इस हालत में मैं वैसे कीजिए जैसे मैं कह रही, जाइए यहाँ से। लोग ऐसा ना समझे कि पैसे की वजह से ऐसे नहीं होने दूंगी। अर्जुन को उसके दादा मेरे पिता दशरथ सिंह लखनपुर भेज देना। लखनपुर? मेरा फर्ज पूरा करोगे ना? खोल रहा हूँ।
अशरथ सिंह, ये तुम्हारा ग्रैंडसन अर्जुन, अर्जुन तुम्हारा सन भीम सिंह का मर्डर हो गया। भीम सिंह का खून हो गया? खून हो गया उसका? किसने खून किया उसका? किसने मर्डर किया उसको? बताओ बताओ। मुश्किल से हम तुम्हारा सन का निशाने को बचा कर लाया। मगर इसकी इसकी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है इसकी? वो बोलो बोलो बोलो। बेहया बेशरम, तूने औरत जाति का अपमान किया है। एक वो सावित्री थी जो अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस मांग लाई, और एक तू है जिसने दौलत के लालच में अपने पति की बलि चढ़ा दी। नहीं नहीं, ये सब झूठ है पिताजी, झूठ है। चली जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरे जले हुए दिल से कोई बददुआ निकले और तुझे जला कर खाक कर डाले। चली जा, चली जा मैं कहता हूँ। ठीक है, अगर मेरे नसीब में यही लिखा है मैं चली जाती हूँ, मगर एक बार, सिर्फ एक बार अर्जुन को मुझे अपने सीने से लगा लेने दीजिए। सीने से तो क्या, मैं तेरा मनहूस साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। ये तेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है, मेरा खून। तूने तो अपने हिस्से का खून मेरे बेटे की जान लेकर बहा दिया, अब तू अपनी औलाद मुझसे मांग रही है। मगर मैं किससे जाकर अपना बेटा मांगू? बोल किससे मांगू? हाँ, आज मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है, मगर एक दिन आपको मेरी बेगुनाही का सबूत मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप इसी में खुश हैं तो आपकी खुशी के लिए मैं अपनी सारी ममता कुर्बान कर दूंगी, अपनी छाती पर पत्थर रख लूंगी, ये भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया था। एक माँ के लिए इससे बड़ा इम्तिहान और क्या हो सकता है? तो फिर उसकी कसम खा, तू कभी उसको नहीं बताएगी कि तू उसकी माँ है? हाँ, मैं अर्जुन की कसम खाती, मैं उसको कभी नहीं कहूंगी कि मैं उसकी माँ हूं। अगर किसी दिन उसने आपसे ये पूछ लिया कि उसकी माँ कहाँ है, तो आप कह दीजिए कि उसकी माँ भी मर गई। क्या बात है मेहता जी, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? ये अखबार देखा है आपने? अखबार नहीं तो क्यों? मालकिन वैसे खबर तो दुख की है, मगर इसी में हमारी खुशी है। प्लेन क्रैश? जी हाँ, पूना प्लेन क्रैश में गिरधरलाल खत्म हो गया है। अब राजकुमार की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। अगर आप चाहें तो हम राजकुमार को विलायत से वापस बुलवा सकते हैं। नहीं मेहता जी, मैं राजकुमार की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जब तक वो पढ़ लिख कर बड़ा होकर इस काबिल नहीं बन जाता कि अपने पिता का कारोबार संभाल सके, उसे वहीं रहने दीजिए। अरे अर्जुन, ओ अर्जुन! ना ना, मैं तने नहीं जान दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे सब कुछ हो, मैं नहीं जान दूंगा, नहीं जान दूंगा। अरे ओ अर्जुन, नहीं जान दूंगा। ओ अर्जुन, दद्दू तुम? मतलब मैं सपना देख रहा था। बोल किसका सपना देख रहा था रे? बोलना बता दादा को। बोल, अरे शर्माता क्यों है, बता भी। बोल बोल बोल, सपने में किसको देखा? तुमको। मुझको? हाँ, मन ने देखा है कि दद्दू मन ने छोड़ के जा रहा है, और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल, नहीं दद्दू मन ने छोड़ के मत जाना, तुम मेरी जिंदगी हो, तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा। अरे धत तेरे की, मैं समझा था कि तू तरक्की कर गया होगा, मगर तू तो भाई वैसे का वैसा ही है। अरे जवानी के सपने में कोई मुझ जैसों को देखता है, मैं क्या देखने की चीज हूँ? हेलो कल्लो बात, देखने की चीज? अरे तुम तो देखने की चीज हो, सुनने की चीज हो, गोद में सर रख के सोने की चीज हो।
मतलब दद्दू तू ही मेरा सब कुछ है, तुम्हारे सपने में नहीं आएगा तो और कौन आएगा। अरे 25 का बांका जवान हो गया है मगर बुद्धू का बुद्धू ही है। अरे इस उम्र में तो मन में मस्ती होती है, दिल में एक तरंग होती है और सीने में अरमान होते हैं। तुझे कुछ नहीं होता? होता है ना। क्या? मुझे भी मस्ती आवे, तरंग उठे, सीने में अरमान जागे। अरे कैसे अरमान जागे ये तो बता। दद्दू यही कि मैं अपने दद्दू की खूब सेवा करूं, उसके लिए एक बढ़िया सा घर बनाऊं, खूब खेती बाड़ी करूं, अपने हाथों से अपने दद्दू को खाना खिलाऊं। अरे यही जवानी का अरमान है ना भाई, तो इससे तो बड़ा पाई बेहतर। क्यों दद्दू, मारी जवानी में गड़बड़ है? अरे गड़बड़ तो कोई नहीं है मगर तू उठ ना तो ले। दद्दू जब मैं छोटा था ना तो तू मुझे अपनी गोद में उठा के ले जावे था, अभी भी ले चलना। हे भगवान, लोग उम्र के साथ साथ आगे बढ़ते हैं मगर ये रिवर्स में ही जावे है। ओ मैं समझ गया, आज से इस घर में ये रिकॉर्ड नहीं बजेगा, हाँ मैं रिकॉर्ड दूसरा ही बजाऊं। कौन सा रिकॉर्ड बजावेगा दद्दू? जाग दर्द इश्क जाग। छी 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 दद्दू बुढ़ापे में कैसी बात। अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप, तेरे बाप का। आ, नहीं नहीं यहीं तक ठीक है, चल उठ ना तो ले उठ। अपनी बात भूल गया क्या? गाँव से तो सिपाही भर्ती होके गया था फौज में, और आया तो जब तो रिटायर अफसर बन के आया था। तूने बड़े बड़े मुल्क देखे, बड़ी बड़ी जबानें सीखी, बड़े बड़े तजुर्बे लिए, मगर तुम्हारा अर्जुन उसने तो गांव का पनगढ़ भी नहीं देखा। अरे भाई इसीलिए तो तारे से सलाह करने आया हूँ कि उसका क्या करूँ। उसे मेरे छोरे के पास शहर भेज दे। शहर नहीं चौधरी, मैं अपना जवान बेटा खो चुका हूँ शहर में, अब मेरा दिल नहीं मानता। दशरथ सिंह कभी कभी उसी की खातिर गम को गले लगाना पड़ता है। अर्जुन की जुदाई तो तुम्हें गले लगानी पड़ेगी, और फिर मेरा बेटा भैरव भी तो शहर में है, मैं उसे चिट्ठी लिख देता हूँ, वो तुम्हारे पोते की वो ऊंचाई के हिसाब से ऊंचा उदा देखेगा और तू उसे शहर भेज देना। ठीक है। मैंने थारी सारी बातें सुन ली दद्दू, तू मुझे शहर भेजेगा और वो भैरव मुझे बड़ा ओहदा देगा, मैं कोई नहीं जाना शहर वहर, सारी जिंदगी पाल पोस के बड़ा किया, जब मैं जवान हो गया तो कहता मुझे छोड़ के चला जा। नहीं नहीं दद्दू मैं नहीं जाना, सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ मैं तुझे ना छोड़ू। तो क्या सारी जिंदगी तू मेरे गले पड़ा रहेगा? हाँ हाँ सारी जिंदगी तो मैं थारे गले ही पड़ा रहा हूँ, आज क्या मैं थारे पे इतना बोझ बन गया हूँ कि तू मुझे इस घर से निकाल के शहर की भूल भुलैया में फेंक रहा है। अरे 6.5 फुट का मर्द होकर लड़कियों जैसी बातें कर रहा है तू तो। अरे कब तक यहाँ पड़ा जुत्तियां झटकाता रहेगा, शहर जा अपने पैरों पर खड़ा हो। तो कर लो बात, अपने पैरों पे तो खड़ा हो दद्दू, ये देख। क्या मुसीबत है, लंबे की अकल घुटने में होती है पर तेरी तो लगता है जुत्ती में है। अरे बाबले इस दुनिया में इंसान 2 बार जन्म लेता है, एक बार माँ की कोख से पैदा होकर घर आता है और दूसरी बार घर से निकलकर दुनिया में जाता है, अपनी इज्जत कमाता है, अपना नाम कमाता है। देख तू जितना ऊंचा है ना उससे भी ऊंचा नाम कमा, ताकि दुनिया को तेरा दद्दू ये कह सके कि ये रहा मेरा पोता अर्जुन सिंह। देख मेरे जीते जी तू कुछ बन जा, मेरा क्या भरोसा, न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा। बस दद्दू इसे आगे बोलना, तेरा बुलावा आया ना तो मैं जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा दद्दू मैं हूं। नहीं, नहीं। तू चाहता है ना कि मैं शहर जाऊं, मैं जाता हूं, मैं कुछ बढ़ के दिखाता हूं, अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाता हूं, खुश ना तू अब। हाँ। जीते रहो बेटे जीते। बस दद्दू तू बुलावे वाली बात ना करियो, भगवान मेरे पूरी नजर से बचाए। वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें जिंदगी का अपना वो राज बता दूं जिस पे आगे चल के तुम्हें अमल करना होगा। बेटे आज से 20 साल पहले जब तुम पंचगनी के एक स्कूल में पढ़ते थे, मैं तुमसे मिलकर बंबई वापस आना चाहता था। मैं जब पूना के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मैंने वहां एक आदमी को 1 टिकट के लिए ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा। उस आदमी का शायद कोई फैमिली मेंबर बंबई में बहुत सख्त बीमार था, इसलिए उसका वहां जाना जरूरी था, पर हवाई जहाज में कोई सीट खाली नहीं थी। न जाने मुझे क्यों तरस आया और मैंने अपना टिकट उस आदमी को दे दिया। वो आदमी मुझे दुआएं देता हुआ हवाई जहाज में बैठ गया। वो हवाई जहाज उड़ा
और वो उड़ान उस जहाज की आखिरी उड़ान थी, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद वो जहाज पनवेल की पहाड़ियों में टकराकर क्रैश हो गया था। सबके सब मारे गए लेकिन मैं बच गया बेटे। शायद मैंने जिंदगी में एक नेक काम किया था और वो था अपना टिकट उस आदमी को देना। अगले दिन अखबारों में मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम था और मैंने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया बेटे, चूंकि मैं दुनिया की नजरों में मर चुका था। समझे बेटे? यह था कहानी का एक हिस्सा। आओ मेरे साथ। और बेटे यह है कहानी का दूसरा हिस्सा। डैडी ये तो हमारी मालकिन है। मालकिन नहीं, तुम्हारी नौकरानी है। सिर्फ नौकरानी। हाँ ये देखो, सान्याल होटल बंबई जिसके तुम मैनेजर हो, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, अमेरिका, इस तमाम प्रॉपर्टी के तुम बराबर के हिस्सेदार हो बेटे। बराबर? डैडी आप क्या कह रहे हैं, मैं इस प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सेदार हूँ? डैडी मजाक मत कीजिए, मैं पापा पागल हो जाऊंगा। पागल मत बनो और मेरी बात को गौर से सुनो। ये तमाम प्रॉपर्टी, इसका मालिक मेरा बड़ा भाई सान्याल था और ये उसकी फोटो। मतलब ताऊ जी? लेकिन सौतेले, मैंने इसे और इसके बेटे को मारना चाहा। सान्याल मर गया और उसे बचाने के चक्कर में उसका वफादार नमकलाल नौकर भीम सिंह भी मारा गया। मगर भीम सिंह की बीवी सावित्री ने, जिसे तुम मालकिन कहते हो, राजकुमार को कहीं छुपा दिया ताकि बड़ा होकर वो इस जायदाद का मालिक बन सके। लेकिन उसे नहीं मालूम कि मेरी भी कोई औलाद है। डैडी मैं सब समझ गया, मैं आपकी जिंदगी भर की तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। आज तक तो मैं सान्याल होटल का मैनेजर रहा, लेकिन अब दीमक बनकर सारी की सारी सान्याल प्रॉपर्टी को चाट जाऊंगा। नहीं बेटे, ये काम इतना आसान नहीं। राजकुमार किसी भी वक्त यहां आ सकता है। इससे पहले कि वो हिंदुस्तान वापस आए, अपने बाप की गद्दी को संभाले, वो जहां कहीं भी हो उससे ढूंढ कर खत्म कर दो। रिलैक्स डैडी, ऐसा ही होगा। चलो सीधे खड़े हो जाओ, ये लो। आंटी ये आज लड्डू क्यों बांटे जा रहे हैं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। लेकिन आपका बेटा कहाँ है? जी सुनिए, नमस्ते। ये पता बता सकती हैं कहाँ है? हम इस शहर में नए नए अभी आए, ये हमारे दोस्त का पता है। ओ, ये आगे जाके दाएं मुड़ जाइए, पहला मकान है। धन्यवाद। सुनो जी, ये लो। ये क्या है? लड्डू, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। अरे वाह, आज तो मारा भी जन्मदिन है। अच्छा? हाँ, मगर मारी माँ जो है वो हमसे बहुत दूर चली गई है। खैर कोई बात नहीं, आप भी तो मारी माँ ही समान है, लाइए। धन्यवाद माँ जी। टैक्सी वाले, लो एक और आया बेकारी पढ़ाने को। लो कर लो बात। अबे भूल गया, तू नहीं तो कहा था भाई पढ़ा लिखा है, लंबा चौड़ा है शहर, आजा तुम्हें आ गया। बहुत अच्छा करा, मगर आने से पहले कुछ खबर तो करनी चाहिए थी भाई। मौका ही नहीं मिला, दद्दू पीछे पड़ गया, कहने लगा कब तक जूतियां चटकाता फिरेगा गांव में, शहर में जाके अपने पैरों पे खड़ा हो जा, तो मैं आ गया अपने पैरों पे खड़ा होने। बहुत अच्छा करा। मन्ने नौकरी तो मिल जाएगी ना भाई? अब तू आ गया है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर है तो मेरा यार, और होटल भी है 5 स्टार। 4 बार मन्ने नहीं मालूम, मन्ने तो नौकरी चाहिए। वो तो करेंगे, पर कपड़े क्या पहन रखे हैं भाई? कपड़े क्या पहन रखे हैं? अबे भूल गया, गांव में राव साहब की बेटी की शादी में यही तो कपड़े पहने थे, अब इससे बेटर क्यों हो गए? मतलब ये कि कपड़े भी बनवाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, तू मुंह हाथ धो, तब तक उसके बाद बैठ के बातचीत करते। अरे मेरे अर्जुन सिंह, कौन है? क्यों बे चपड़ गंजू, चोरी चोरी उस मोटू की औरत के साथ में मेरी तस्वीरें निकाल रहा था? लेकिन इस वक्त आप मेरी गर्दन निकाल रहे हैं। हनुमान जी मेरा बड़ा नाजुक मामला है, अभी अभी बिक चुकी है। चल निकाल वो तस्वीरें। कौन सी तस्वीरें? वही तस्वीरें, वो के बच्चे। तस्वीरें कहाँ है? कैमरे में। कैमरा कहाँ है? कैमरा टेबल पर। और टेबल कहाँ है? टेबल कोने में। और कोना कहाँ है? कोना
देखता हूँ। अरे अरे क्या क्या कर रहा है? मेरी 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 आज के बाद फिर कभी मेरी फोटो किसी औरत के साथ निकालने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। समझे? मजाक कर रहा था, पुराना दोस्त है ना। साईं राम राम। मरे राम राम साईं। साईं फोटो निकाला? निकाला तो लाओ जल्दी से लाओ। अब अपनी हरामजादी बीवी को मजा चखाऊंगा और उस काले मुच्छड़ को भी मजा चखाऊंगा। देखूंगा किस तरह दूसरों की बीवी के साथ घूमता है। वो तो है। अरवरी देखता क्या है, फोटो निकालो। साईं क्या है, फोटो निकाला तो लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक से निकली नहीं। क्या कहा, फोटो निकली नहीं? नहीं। अरे इन फोटो के भरोसे तो खिचारी में मैंने मुकदमा दायर किया। हाँ। और वकीलों को तैयार किया। हाँ। और तुमको पैसे खिलाता रहा और तुम कहते हो फोटो निकली नहीं। पर मुझे मेरा क्या कसूर है, कैमरा ने धोखा दे दिया भाई। वो धोखेबाज कैमरा कहाँ है? टेबल पर। और टेबल कहाँ है? कोने में। और कोना कहाँ है? आ गया है। तो यही है वो धोखेबाज कैमरा। अब ये कैमरा किसी को धोखा नहीं देगा। मेरा कैमरा तोड़ दिया। शट अप यू इडियट। अब वरी तुम हमको दोबारा दिखाई दिया तो हम तुम्हारा कैमरा ही तोड़ देगा, समझे? मजाक कर रहा था, पुराना दोस्त है। तू नाराज नहीं होना, तो गांव वापस नहीं जाना, नहीं तो मेरा भांडा फूट जाएगा, तब तुम मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं तुझे बहुत अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। देख आज एक बहुत बड़ी पार्टी, तू जल्दी से तैयार हो जा, शाम को वहां जाएंगे। बहुत बढ़िया के बाद से कोई नहीं पीटेगा। बावला हो रहा है यहाँ, किसकी मजाल जो मन हाथ भी लगा जाए। यहाँ तेरे को किसी ने पीटिया ना तो तेरी और उसकी गर्दन उतार के गांव के पीपड़ पे लटका दूंगा। देखे मेरे बाप अर्जुन, देखे यहाँ ईसा विशा कुछ मत करिए, यहाँ मेरी थोड़ी इज्जत है। इज्जत? समझ गया ना। मेरे संग से रहिए। पढ़ लिख के सब गवा दिया ना, क्या बात हो गई? अरे एक गिलास लेना था भाई, पूरी ट्रे क्यों ले ली तने? भाई मन ने के पता जिब के करूं, क्या वापस कर दे। मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता।
मिस्टर कामडोलू, पीपल आर वेटिंग फॉर योर सॉन्ग। लोग तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज चलिए, प्लीज हरी अप, कम ऑन, कांट सिंग। हमारा गले के गली के अंदर आवाज फंस गया है, आज हम गा नहीं सकता है। हम तुम्हारा हाथ देखा, यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, हमको तुम्हारा आवाज सुनना मानता है। Is going to sing for you today. His name is. क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। अर्जुन, give him a big hand. अरे भाई मैं नहीं गा रहा हूँ, पैरों के 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 करे पैरों, भाई गाना नहीं गा रहा मैं, के 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 गाऊँ, पैरों अरे छोड़ो के बीच में कैसे गाऊं? अरे के करे करे चल, अरे बाबा के गाऊं? अरे बाबा कुछ भी गा दे, मीरा गा दे, देखे बड़े बड़े लोग हैं, शायद नौकरी का चक्कर चल जा। मैं हूं ना, मत कर, चल। भाई भाइयों, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब कहा लगा मेरा यार, मैं हूं ना, मत कर। हाँ भाई, ऑर्केस्ट्रा रेडी। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से झूके 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 रे, के पग घुंघरू पग
पग घुंगरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंगरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी हाँ, के पग घुंगरू बांध मेरा नाची थी। स स स ग ग र र सा नि 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 सा 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 स स स ग ग र र सा नि 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 सा 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 ग ग ग प प म म ग र र र ग ग ग ग ग प प म म ग र र र ग ग ग प नि सा प नि सा म प नि म प नि रे 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 ग रे ग रे ग रे ग रे ग प प प प प म ग रे द द स न स द स न स द स न स द स न स द स द न स द स द न स द स द न स द स द पम पम ग म ग रे ग रे स रे स न स रे स ग रे ग रे ग रे म ग म ग म पम पम ग रे स न द ब स पम ग रे स न द ब स पम ग रे स न द ब स आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना, वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी हाँ, के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम, ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं, संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम, दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम, दिल चीर के दिखला दूं मैं, दिल में यही सूरत हसी, क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं,
क्या देश है, क्या जात है, क्या उम्र है, क्या नाम है। अरे छोड़िए इन बातों से, हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो, हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने। लैला मजनू, लैला मजनू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। 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 अरे अर्जुन उड़ा। अरे नौकरी पक्की होगी? अरे तो हो जाएगी, अभी इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, मैंने सब कुछ जमा दिया। तय घबराइयो बिल्कुल मत। मैनेजर कुछ भी पूछे सर वट जवाब देना, वो एक पूछे तू दस जवाब देना। तभी हो बिल्कुल मत। आज गैंद बाबूजी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये किस चीज को ले आया? लो कर लो बात। बाबूजी हम चीज नहीं है, हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है। लखनपुर गांव के रहने वाले, इंटर पास है, गांव में सबसे अपन नंबर आए थे। हमारे गांव में हमारे दद्दू और मैं ही सबसे ज्यादा पढ़े, बाकी कोई चौथी पास नहीं। घर में आने से पहले हमारे दद्दू ने हमको तीन बातें सिखाई। पहली बात, पराई औरत पराई दौलत में हाथ नहीं रखना। हाँ, दूसरी बात, जिसका नमक हो उसकी नमक हलाली करना। तीसरी बात, अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना। बोलो हमारे दद्दू ने ठीक कहा कि नहीं कहा? हमारे दद्दू ने बिल्कुल सही कहा। अब तुम शहर में आए हो, ऐसी ही बातें करो या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज देयर माइंड आर वेरी नैरो। In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease. And Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the left side, sir, the consideration came into an ultimatum and ultimately Vijay Hazare went to Vijay Merchant. Oh, shut up! Similarly, sir. In the year 1979, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease. And Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja. And Wasim Raja told Wasim Bari, look, sir, this ultimately has to end in a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of them ran and considerately they got out. Okay, okay. Sir, may is... सामान्य ज्ञान पर आपको कुछ विशेष टिप्पणी करनी? What? इनका मतलब है कि इनकी कॉमन नॉलेज पर आपको कुछ स्पेशल कमेंट करना है? ओह, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी जनरल नॉलेज और अंग्रेजी दोनों बहुत अच्छे हैं मिस्टर अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ। तुम्हारी नौकरी पक्की? सारी नौकरी पक्की। तुम बाहर जाओ, मैं धर्म से बात करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। यस सर, कोई नया आदमी है? ट्रेनी? ओके सर, मैं समझा दूंगी। ओके, थैंक यू। मिस पूनम, ये है मिस्टर अर्जुन, रंजीत बाबू ने आपके पास नौकरी के लिए भेजा। दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम, ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं। ओ भाई, मिस पूनम, रंजीत बाबू ने आपके पास नौकरी। मुझे पता है, लेकिन आप यहाँ काम करने आए हैं? आप तो इतना अच्छा गाते हैं तो... और गाना गाने के साथ साथ खाना खाने की भी जरूरत हो गए, और हाँ। खाना खाने के लिए काम की जरूरत हो गए। आइए ना, मैं आपको समझा देती हूँ। आइए।
लगता अपने यार की नौकरी और छोकरी दोनों पक्की हो गई। यह है तुम्हारे फ्लोर का स्टोर रूम, यहाँ से ये साफ चादर, तौली और नैपकिन ले जाकर रोज सुबह तुम्हें हर कमरे में बदलने होंगे। रोज सुबह? हाँ। यहाँ के लोग तो बहुत गंदे हो हैं। जी? मतलब ये कि ये लोग ऐसा के काम करें कि रोज सुबह चादर तौलिया बदलने पड़ जाए। यहाँ से चले। हाँ। अर्जुन सिंह, ये तुम्हारी बैठने की जगह। पूनम जी, मारा ओहदा क्यों है? ओहदा? मतलब मारी पोस्ट क्या होगी? पोस्ट? ये टेलीफोन सुनना, ये बोर्ड देख रहे हो, जिस नंबर की घंटी बजेगी उसमें चले जाना और बड़ी इज्जत से पूछना मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, जैसे ये बजी 666। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझा देती हूँ लोगों से कैसे मिला जाता है। वैसे इस रूम का आदमी अपने नंबर के मुताबिक है। चलो। अरे वाह, ये बदली में से चांद कैसे निकलाया? हम तो आपकी सूरत देखने को तरस गए थे। अब देख ली ना आपने मेरी सूरत। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, मगर फिलहाल यूं ही खड़ी रहिए ताकि हम आपका दीदार करते रहें। मिस्टर, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि आप मेरे लिए सिर्फ एक नंबर है, 666, और मैं इस होटल की नौकरी करती हूँ, आपकी नहीं, समझे? अरे अरे, आप जहाँ जा रही हैं, हम तो आपके लिए नहायत खूबसूरत तोहफा लाए थे। देखिए ये कितनी खूबसूरत नथनी है, इसे पहन कर दिखाइए। मेरे सिवा आपकी और भी बहुत सारी बहनें होंगी, उनको पहना दीजिए, आपको दुआएं देंगी। और जो थारी पहनना हुए ना, तो माँ तो होगी, उसको दे देना, मरते दम तक दुआएं देगी, समझ गए मिस्टर तीन छक्के? चलो पूनम जी। और इस कमरे का तुम्हें खास तौर से ख्याल रखना है। क्यों, किसी खास आदमी का कमरा है क्या? हाँ, बहुत खास, इतने खास आदमी का कमरा है कि इस शहर के तमाम खास आदमी इनके सामने आकर आम हो जाते हैं। हाँ। मगर ये खास आदमी है कौन? राजा बाबू, इस होटल के मालिक। मालिक? अरे मालिक के लिए तो मारी जान हाजिर है, जिगर हाजिर है, उनकी खिदमत में तो मारी उम्र हाजिर है। ऐसा सजा के रखेंगे कमरे को कि धारा सजा सजाया होटल एक तरफ, मालिक का कमरा एक तरफ। हाँ, मगर मालिक है कहाँ? वो विदेश में रहते हैं। अच्छा, वो रही उनकी तस्वीर। जय राम जी की मालिक। गुड मॉर्निंग राजा बेटे। गुड मॉर्निंग माधुर अंकल। गुड मॉर्निंग। मुझे पूरा यकीन है बेटे, इस बार भी ये कंपटीशन तुम ही जीतोगे। माधुर अंकल, आपको तो सिर्फ यकीन है, लेकिन मेरा दावा है कि इस बार भी इस कंपटीशन में मेरे सिवा कोई नहीं जीतेगा। और एक बार फिर मेडल लेकर माँ के कदमों में रख दूंगा। ओह, आई एम श्योर। यस मिस्टर रंजीत, तुम राजकुमार को जानता है? हम राजकुमार को बहुत अच्छा जानता है, वो इधर ही है। उसे खत्म करना है। तुम्हारा काम हो जाएगा। यस राइट। 500,000। 500,000 मंजूर है? ओके ओके, डन, यू विल गेट इट। गुड, बहुत चल, तुमने तीर निशाने पे मारा है, तुम तो उस्ताद दिख ले। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, राजकुमार के साथ साथ सावित्री देवी भी। गुड गुड, वेरी गुड, That's like my son. The race is ready to go. Get ready. 3, 2, 1, go. We'll be right back.
माना था। बोल बोल बोल, कौन है वो लोग? चलो तुझे बचा, जल्दी बोल। चिट्ठी 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 ये कौन लोग थे राजा बेटा, जो तुम्हें जान से मारना चाहते थे? माधुर अंकल, आपके हर सवाल का जवाब इस चिट्ठी में। सावित्री। क्या माधुर अंकल, आप चुप क्यों हैं? एक बात बताइए माधुर अंकल, क्या कोई मां कभी अपने बच्चों को मरवाना चाहेगी? तुम्हें ये जानकर दुख होगा बेटा, सावित्री तुम्हारी मां नहीं। क्या? हाँ राजा बेटा, सावित्री ने तुम्हें पाला है। ओ, सिर्फ पाला है, अब सब समझ गया। राजा बेटा, तू इस तरह हंस क्यों रहा है? माधुर अंकल, हम उस मां से फौरन मिलना चाहेंगे जिसके खून का रंग भी उसके दूध की तरह सफेद हो चुका है। आप फौरन टेलीग्राम भेज दीजिए कि हम वहां आ रहे हैं। सर, परसों बाद मेरा बेटा हिंदुस्तान आ रहा है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। चाहिए अपने बेटे। शुक्रिया। अरे भाई क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। जी माँ। यहाँ आने पर उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जी आप फिक्र मत कीजिए, राजा बाबू के आने से पहले आपको हर चीज चुपचाप मिलेगी, मैंने सब बंदोबस्त करवा दिया है। ए उधर टेबल पर। रंजीत जी, जाने से पहले उसका कमरा फिर से चेक कर लो। जी माँ। माँ जी, एक बात समझ में नहीं आई, इतनी बड़ी हवेली है आपकी, तो आपका बेटा महल जैसी हवेली छोड़कर होटल में ठहरेगा? मेरा बेटा जरा मूडी है, दुनिया से निराली हरकतें करता है, बिना बंदूक लिए शेर के शिकार पर चला जाता है। हाँ, जब बर्फ पड़ रही हो तो सारी दुनिया घर में बैठे कंबल लिए कांप रही होती है, और ये बाहर बैठकर आइसक्रीम खाता है। अरे माँ जी, आपके बेटे के शरीर के ऊपरले हिस्से में कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ नहीं, मैंने कहा ना जरा मूडी है, इसीलिए सोचा आधी रात को उठकर कहे माँ मुझे होटल जाना है, तो फिर कहे क्या, हम तो कह रहे हैं राजा घर में घर वाले रहते हैं, और हम तो भटकने वाले लोगों में से हैं, और भटकने वाले लोग होटलों में से और रही कहां सकते हैं। राजा बेटा, अरे नहीं नहीं, बस 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 ना, ज्यादा जोर से नहीं वरना दम निकल जाएगा। चल कैसी बातें करता है, माँ गले लगे तो दम निकल जाता है। मिलावट का जमाना है माँ, हर चीज में मिलावट है, दोस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में और ममता में। राजा ये तू कैसी बातें कर रहा है? छोड़ ना माँ, अभी तो आप कह रहे थे कि हम बहुत मूडी हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों की बातों की परवाह नहीं किया करते। ये लड़कियां कौन है? ये दोस्त हैं, दोस्त। दोस्त? हाँ माँ दोस्त। क्या माँ के बिना दोस्तों की जिंदगी बेमाने है, 4 दिन की जिंदगी है, हद खेल के गुजार लो, कौन जाने कब मौत आ जाए, और फिर अर्थी उठाने के लिए कुछ दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। राजा अर्थी उठे तेरे दुश्मनों की, तुझे क्या हो गया है, इतने वर्षों के बाद बेटा माँ से इस तरह मिलता है, क्या विदेश की हवा अपनों को इतना बदल देती है? बोल बोल। कमाल है, हम हिंदुस्तान इतने सालों बाद आए और हमारा स्वागत आंसुओं से किया जा रहा है। कोई बात नहीं, लेट्स चेंज द सब्जेक्ट, हाँ? कल 13 तारीख है, हमारा जन्मदिन है, बहुत ही मनहूस तारीख है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, और फिर जन्मदिन तो मनाना ही पड़ेगा। एक बात बताइए माँ,
आप हमारे जन्मदिन पे हमें क्या तोहफा देंगे? बोल बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है। हाँ, ये तो हम जानते हैं कि ये सब कुछ हमारा है और हमारे बाद तुम्हारा। राजा! ए! जी मालिक। आपकी तारीफ? जी, तारीफ तो बड़ों की जाती, मैं तो बहुत छोटा हूँ। क्या काम करते हो? आपका नौकर हूँ मालिक, आपका है। नमक हलाल है। नमक हलाल? जी मालिक। ये नमक वो क्या है? हमारी कोई नमक की फैक्ट्री जाके नमक हलाल रहते हैं? अरे भाई, यहाँ कोई नमक हलाल वलाल नहीं है। हाँ, बड़ी मतलबी दुनिया है। हाँ, और लोग अपने फायदे के लिए मौका पाते ही आदमी हलाल कर देते हैं। क्यों? अच्छा भाई, मिस्टर नमक हलाल, आप हमारे काम करें। जी मालिक। चार शैंपेन बॉटल्स चिल कर दीजिए। चिल 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 चिल्ड, समझे? ठंडी कर दीजिए, ठंडी। जी मालिक। अच्छा, वहां कल मिलेंगे जन्मदिन पे। आप राजा बाबू, आप तो कल आने वाले थे। अच्छा भाई, आज मुझे देखकर आपको तकलीफ हो रही है क्या? जी गिर गई क्या? यस सर, नो सर, आई एम सॉरी सर। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम रंजीत है, मैं आपका मैनेजर हूँ। मेरा मैनेजर? मेरा मतलब आपके इस होटल का मैनेजर हूँ। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। थैंक यू सर। अच्छा मिस्टर मैनेजर, आप हमारे काम करिए, हमारे खास मेहमानों को खास कमरे और खास। समझ गया सर, समझ गया। आइए प्लीज कम। वेरी स्मार्ट। दिस इज दिस इज इडियट। मालकिन, एक बात कहूं, ये मां बेटे का रिश्ता हमारी समझ में कुछ आया नहीं। तुम्हारी मां है? नहीं मालकिन। तो फिर तुम्हें इस रिश्ते को समझने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। मेरे बेटे को किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझे? जी मालकिन। मैंने मेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू। आइए केक काटिए। अरे जल्दी कहा है कि मैनेजर साहब, मेरे पैदा होने में अभी कुछ पौने तीन मिनट बाकी हैं। पौने तीन मिनट यूं ही गुजर जाएंगे। चलो तो आप चलिए, मैं आता हूँ। थैंक यू। कुत्ते की माँ। क्या कहा? मेरा मतलब है कुत्ते की मालकिन आप ही हैं। हाँ जी। ये कुत्तों की पार्टी चल रही है, सारा केक खराब कर दिया, सारे प्रोग्राम का, मेरा मतलब सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया आपने। ऐसी गलती हो गई, सॉरी। सॉरी कहने से केक ठीक हो जाएगा? मैं पूछता हूँ, ऐसा कुत्ता पालने क्या जरूरत है जो जगह जगह जाकर कुत्तों की तरह मुंह मारता है? कुत्ता नहीं का। मिस्टर मैनेजर, जन्मदिन हमारा मनाया जा रहा है या कुत्ते का? चलो सर, जन्मदिन तो अभी का मनाया जा रहा है, लेकिन 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 मालिक, इसका तो मरण दिन हो गया है। क्या हुआ सर? इसने आपके जन्मदिन का केक खाया और आप लोगों ने मेरे कुत्ते ने मार डाला। हाँ, केक से भी जहर थी, सत्यानाश जाए। लेकिन आप पार्टी में कुत्ता बुलाई सर। अच्छा हुआ केक पहले कुत्ते ने खाया, वरना anyway, मैं इस केक वाले की दुकान बंद करवा दूंगा, उसे पुलिस के हवाले करवा दूंगा, उसके बाल बच्चों को निराश करवा दूंगा, उसे फांसी पर चढ़वा दूंगा। मिस्टर मैनेजर, कुत्ता मर गया है, इसका मतलब यह नहीं कि अब आप कुत्ते की तरह भौंकने लगे हैं। सॉरी सर। इस केक का ऑर्डर किसने दिया था? मालकिन ने सर। मेरा मतलब मैंने सर। आप इस होटल के मैनेजर हैं? यस सर। बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है आपका। थैंक यू सर। शट अप। सॉरी सर। चाहिए फौरन दूसरे केक का बंदोबस्त कीजिए और पूरा इंतजाम मेरे कमरे में होना चाहिए। यस सर। और सुनो, अब केक कुत्ता नहीं खाएगा, आप खाएंगे, फिर हम खाएंगे। नो सर। यस सर। देखा माँ, मैंने कहा था ना, तेरा तारीख बड़ी मनुष्य होती है। ये केक कुत्ते को मारने के लिए नहीं, हमें कुत्ते की मौत मारने के लिए बनाया गया था। खैर कोई बात नहीं, हम तो विलायत से ही सर पे कफन बांध के आए थे। Come on, cheer up, it's nothing. Cheer up everyone, let's have fun. The party continues in my room. आइए आइए, सब लोग मेरे कमरे में आइए। Come on.
रोइए मत माजी, दुश्मनों ने चाल तो बहुत ऊंची चली थी मालिक को मारने की और आपको बदनाम करने की, लेकिन जब तक वो मालिक है और आपका ये नमक हलाल नौकर जिंदा है, आपके दामन को दाग नहीं लगने दूंगा माजी। मेरी अपनी मां तो नहीं है, आपको ही अपनी मां समान समझा है। आपकी कसम माजी, जिन लोगों ने ये चाल चली है, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छुपे हों, एक दिन उन्हें आपके कदमों में ला के रख दूंगा। आप रोइए मत माजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। रोइए मत माजी। मतलब साफ है मैम साहब, अंदर जिस माल पे हाथ साफ करके आ रही हैं आप, वो सारा माल सफाई से मेरे हाथ में रख दो। तुम क्या समझते हो मैं चोर हूँ? चोर नहीं, लुच्ची हैं आप। निकालो मालिक का माल, एक हाथ दूंगा सारा डिपार्टमेंट हाथ में आ जाएगा, समझी? अर्जुन सिंह क्या शोर है मालिक? ये देखिए ना राजा बाबू, आपके होटल का नौकर मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है। चले ये मजार मालिक, ये वर्दी आपकी है, नौकरी आपकी है, वफादारी भी आप ही की कर रहा है। इन तीनों चीजों ने मिलकर हमारे हाथों को बांध दिया है, वरना हम भी वो हाथ दिखाते हैं, ये आपकी जिंदगी की लड़ियां बिखर जाती। जिस इज्जतदार लड़की के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया है, उसके हाथों का कमाल भी जरा देख लीजिए आप। इधर आप, ये देखिए मालिक, इस दुनिया में लोग कपड़ा शरीर छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके चाहने वाले शरीर दिखाने के लिए और माल छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जा रहे हो अर्जुन सिंह? हाँ जा रहे हैं, और अगर हम तुम्हें रोकना चाहें तो? नहीं राजा बाबू, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे राजा बाबू। इतने बड़े हो गए, हमारे दद्दू ने आज तक हम पे उंगली तक नहीं उठाई, और आपने उस दो कौड़ी की लौंडिया के लिए हमको चांटा मार दिया राजा बाबू। ये तो हमारी शराफत थी कि हमने उसका जवाब नहीं दिया, वरना हमारा हाथ भी उठ सकता था। ये तो बीच में आपका वो नमक आ गया, इसकी आप कीमत नहीं समझते हैं। और वैसे भी राजा बाबू, हम ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहेंगे जो अपनी माँ की इज्जत नहीं। वो मेरी माँ नहीं है अर्जुन सिंह, उसने मुझे पाला है। पाला है राजा बाबू, पालने वाला पैदा करने वाले से कहीं ऊंचा होता है। मां तो सिर्फ जन्म देती है ना, लेकिन जिंदगी देती है पालने वाली। भगवान कृष्ण को भी देवकी मां ने पैदा किया था, लेकिन पाला था यशोदा मां, इसीलिए यशोदा मां का यश देवकी मां से कहीं ऊंचा है। हम तो सिर्फ इंसान है राजा बाबू, दौलत के लिए वो मेरी जान लेना चाहती है। राजा बाबू, ममता जैसी सच्ची दौलत को न्यौछावर करके कौन मां ऐसी झूठी दौलत आपसे छीनना चाहेगी? लेकिन मेरे मरने से उसके सिवाय और किसी को फायदा भी तो नहीं हो सकता, और कौन मानना चाहेगा मुझे? पहले भी बहुत हमले हो चुके मेरी जान पर, याद करो अर्जुन सिंह, वो जहर वाला केक। तुम कुछ नहीं समझोगे अर्जुन सिंह। मालिक, मालिक हमारी समझ में कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है मालिक। कहां जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे मालिक, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हम उस कौन का पता नहीं लगा लेते जो आपकी जान लेना चाहता है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अर्जुन सिंह जी, आज से तुम अपने आप को हमारा नौकर नहीं दोस्त समझो। नमस्ते। चलिए पूनम जी, मैं आपको घर छोड़ दूं। क्यों, क्या आज मैं अपने घर का पता भूल गई हूं, या आप मेरे घर का पता जानना चाहते हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कोई मेरा इंतजार कर रहा है, समझे? हाँ
आइए, बरसात का मौसम है, आपको घर तक लिफ्ट दे दूं। मुझे आपकी लिफ्ट की जरूरत नहीं है। अरे आपको तो नहीं, मगर मुझे तो है। कभी कभार जाने मन कुछ काम दूसरों के लिए कर लिया करते हैं। देखिए मुंह संभाल कर बात कीजिए। अरे मुंह तो संभाल ले, मगर दिल को कैसे संभाले। अब आए काबू में, लड़की चाहिए। लो तोड़ डाला खंबा, अब तो म्युनिसिपैलिटी वाले भी मारे। फट कैंडेस। अरे अरे रेडी लेके कहाँ चले जा रहे हो? अच्छा वहां जा रहे हो, चले चले जाओ। सारे संतरे खराब। आए क्या है? अच्छा आ जा। ये हाँ बाबू नथुलाल जी, ये नथनिया वही है ना? अब मैं इसे आपके पहना दूं या आप साथ साथ? अरे तो रपड़ गए। आइए आइए आइए, अंदर आइए। ये हमारा गरीब खाना है, हम गरीबों का घर है। पूना, ये आज पहली दफा हमारे यहाँ आए हैं, इनके लिए कुछ चाय पानी वगैरह का बंदोबस्त तो करो। अभी लाती हूँ भैया। आइए भैया। या अच्छा देखिए मैं चलता हूँ। ठहरिए ना, चाय तो पीकर जाइए। जी वो क्या है कि तृप्ति हो गई है, अब कुछ खाया भी नहीं जाएगा। आप बैठिए। जी बैठिए ना। पूनम जी से कहिएगा मैं फिर कभी आऊंगा। अरे ये अचानक चले क्यों गए? पता नहीं, पर लड़का बड़ा अच्छा है। अरे 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 ना 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 ना। रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट आहा, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो।
बरसात में थी कहां बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी, बरसात में थी कहां बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी, कैसी ये हवा चली, पानी में आग लगी, जाने क्या प्यास जगी रे, भीगा ये तेरा बदन, जगाए मीठी चुभन, नशे में झूमे ये मन रे, आज बहक जाए तो होश ना दिलाइयो, आज बहक जाए तो होश ना दिलाइयो, होश जो दिलाइयो तो, होश जो दिलाइयो तो खुद भी बहक जाइयो, आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हसीना डरी डरी बाहों में सिमट गई, सीने से लिपट गई रे, तुझे तो आया मजा, तुझे तो सुझी हसी, मेरी तो जान फसी रे, जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के, आहा ओहो आहा ओहो, बात उलझ जाए तो आज ना सुलझाइयो, बात उलझ जाए तो आज ना सुलझाइयो, बात जो सुलझाइयो तो, बात जो सुलझाइयो तो खुद भी उलझ जाइयो, आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, बादल से छमछम शराबर से, सांवरी घटा से शबाबर से, बादल से छमछम शराबर से, सांवरी घटा से शबाबर से, बूंदों की बजी पायल, घटा ने छेड़ी गजल, ये रात गई मचल रे, दिलों की राज खुली फिजा में, जवा दिल खुल के मिले रे, होना था जो हुआ वही, अब डरना क्या, आहा ओहो आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो, आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो, हमें जो बचाइयो तो, हमें जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो, आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, आहा ओहो आहा ओहो, दिखाई नहीं देता कि हम लोग, मालिक मालिक आप यहाँ, ओ भाई वाह वाह अर्जुन सिंह मजा आ गया, कुछ कसर बाकी रह गई हो तो पूरी कर लो, नहीं मालिक जो बाकी है वो तो अब बाजे गाजे के साथ ही पूरी होगी,
चलन तुम्हें छोड़ देते हैं। है नहीं नहीं मालिक, आप चलिए, हमारा ये ठेला ही अच्छा है। चलो पुन्नो, मालिक को भी यही टाइम मिला राउंड लगाने को। जाते हैं मालिक, जाते हैं, जाते हैं। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, कौन है ये अर्जुन सिंह जो हमारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है? आज उसने देवा को पीटा, उस दिन उसने जहर वाले केक से राजकुमार को बचाया। उसकी वफादारी देखकर मुझे भीम सिंह की याद आ रही है, जो ढाल बनकर सान्याल के सामने खड़ा हो जाता था। लगता है भीम सिंह ने फिर से जन्म ले लिया है। डैडी प्लीज रिलैक्स, आप फिक्र मत कीजिए। अब की बार मैंने ऐसा प्लान सोचा है कि राजकुमार को अर्जुन सिंह का बाप भी नहीं बचा सकता। अपने प्लान को अपने पास रखो बेटे और मेरी बात सुनो। देखो मैं कितनी आसानी से राजकुमार को रास्ते से हटाता हूँ। जो तलवार से नहीं मरते वो प्यार से मर जाते हैं। मैं समझा नहीं डैडी। बेटे मैंने एक ऐसे फूल के बारे में सुना है जो हार बनकर गले में पड़ जाए तो फांसी का फंदा बन जाए। क्या फिर किसी को बर्बाद करना है? बर्बाद नहीं, आजाद करना है। क्या मतलब? हाँ बेटी, किसी को जिंदगी से आजाद करना है। यू मीन फिनिशिंग? हाँ, लेकिन मम्मी पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। अब करेंगे। न जाने क्यों मम्मी अब मुझे डूबते हुए सूरज से डर लगने लगा है। बेटी आज डूबने वाला सूरज कल फिर निकलेगा। चलो जाने की तैयारी करो। सर, ये दुनिया की मशहूर कैबरे आर्टिस्ट है, जिस होटल में परफॉर्म करती है उस होटल की किस्मत खुल जाती है। अभी हमारे होटल में आ रही है, बस समझ लीजिए हमारी किस्मत भी खुल गई। एक नाचने वाली, अपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों का दिल बहलाने वाली हमारे होटल में नाचेगी और उसके नाचने से हमारी किस्मत खुल जाएगी। यस सर। अरे लानत है ऐसी किस्मत पर, तो एक नाचने वाली के इशारों पर खुले, वो आएगी नाचेगी और चली जाएगी, समझे? अब आप ही चले जाइए। ऐसी छोटी और घटिया बात करके आप हमारे सामने छोटे और घटिया नजर आने लगे हैं। चलिए जाइए, चलिए ना। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन वो आ चुकी हैं। कौन आ चुकी है? सर मिस निशा। लेकिन उसके आने से आप उल्टे सीधे क्यों हो रहे हैं? सर मेरा मतलब था कि आप एक बार उनसे मिल लेते। लगता है कि जो अकल का सबक हम आपको सिखा रहे थे वो आपके पल्ले नहीं पड़ा। सर आखिर कुछ फॉर्मेलिटीज का ख्याल तो करना ही पड़ता है। चलो ठीक है, हम आपके फॉर्मेलिटीज ख्याल कर देते हैं। थैंक यू सर। ये गलदस्ता उसे दिया। नहीं तुम नहीं, तुम नहीं, तुम उल्टे सीधे काम वैसे ही कर रहे हो। तुम चलो मैं अर्जुन सिंह सर। हाँ अर्जुन सिंह सर, अर्जुन सिंह ये गुलदस्ता क्या नाम इसका डांसर को दिया हमारी तरफ से। जी मालिक। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेट मी द लंदन गर्ल क्विक। राइट सर। आर यू अप? राइट सर। इडियट। कौन हो तुम? जी जी हम हैं अर्जुन सिंह, वल्द भीम सिंह, वल्द दशरथ सिंह। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि किसके रूम में आने से पहले क्या करना चाहिए? नहीं, हमें यह भी नहीं मालूम कि किसी के रूम में आने से पहले आने के बाद क्या करना चाहिए। दरवाजा खटखटाना चाहिए। मगर मेम साहब, जो दरवाजे पहले से ही खुले हों वो खटखटाए नहीं जाते। और फिर हम दरवाजा खटखटाते कैसे? हमने तो ये पकड़ रखा अपने हाथों। ये क्या है? गुलदस्ता। किसके लिए? आपके लिए। किसने भेजा? मालिक ने। तुम्हारे मालिक को इतनी भी तमीज नहीं कि किसका स्वागत कैसे किया जाता है? खुद नहीं आए, नौकरों के हाथ फूल भेज दिए। क्यों? नौकरों के हाथों फूल भेजने से फूल की खुशबू कम हो जाती है क्या? ये लीजिए पूरा गुलदस्ता है, वरना आजकल लोग गुल तो भेज देते हैं नीचे से दस्ता गुल कर देते हैं, ये तो फिर भी पूरा गुलदस्ता है। लीजिए। ठहरो। यहां पर ठहरो जी। Thank you.
हमारी ओर से अपने मालिक को ये दे देना। जी अच्छा। और सुनो। जी। ये भी दे देना। जी अच्छा। अच्छा। और साथ में ये चिट्ठी भेजिए आखिरी मालिक। चिट्ठी। साला साल की तलाश के बाद जिंदगी के चमन से छांटे हैं, आपको चाहिए तो पेश करूं मेरे दामन में चंद कांटे हैं। जो आपके पास था वो आपने भेजा, जो मेरे पास है वो मैं भेज रही हूं। भाई ये अदा तो हमें पसंद आई। अर्जुन सिंह। जी मालिक। तुम तो उसे मिलकर आ रहे हो ना, दिखने में कैसी है? मालिक दिखने में तो वो बिल्कुल ऐसी है मालिक। बिल्कुल ऐसी? फिर तो दिलचस्प है, हम जरूर उसे मिलेंगे। शो कितने बजे है उसका? 9 बजे मालिक। 9 बजे। हेलो, आई वॉन्ट टू किल यू, आई विल किल यू।
आपकी तारीफ का शुक्रिया अदा करके बातों का सिलसिला आगे बढ़ाना नहीं चाहती। सच तो यह है कि मैं वाकई बहुत अच्छा गाती हूँ। वाह, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़। जी नहीं, कमरे तक छोड़ने वाले कभी कभी कमरे के अंदर तक आ जाते हैं। मैं अकेली रहने की आदी हूँ, कोई और आ जाता है कमरे में तो घुटन सी होने लगती है। वेरी राइट। और शाम को क्या कर रही हैं? आप किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। ना पूछे तो बेहतर होगा। मैं आपके होटल में गाना गाने आई हूँ, अपनी सुबह और शाम का राज बताने नहीं। अरे जाने से पहले गुड नाइट या शुभ रात्रि नहीं बोलेंगे? अगर रात्रि शुभ होती तो जरूर कह देती, लेकिन कौन जाने आने वाली रात्रि शुभ है या अशुभ। मालिक, अब आपको इसकी सख्त जरूरत है। ये मालिक, आइए आइए। एक मिनट। अर्जुन सिंह, कुछ देखा तुमने? मैंने तो बहुत कुछ देखा मालिक, मैंने तो वो देखा जो देखने वालों ने भी नहीं देखा। क्या चमक! यही तो मैं कह रहा हूँ मालिक। क्या आदत! यही तो मैं कह रहा हूँ मालिक। क्या नाश्ते! यही तो मैं कह रहा हूँ मालिक। क्या ए अर्जुन जी, अगर सब कुछ तुम ही कह रहे हो तो फिर हम क्या कह रहे हैं? यही तो हम कह रहे हैं मालिक। क्या? कि जो आप कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। गुड होटल, गुड डेकोरेशन, गुड गर्ल, गुड फोन, मारो, गुड इवनिंग सिटी। हमको तुम्हारे ब्यूटीफुल चेहरे के माफिक ब्यूटीफुल कमरा मांगता है। एक्सक्यूज मी सर, आपने पहले बुकिंग कराया? अरे दत्तू, अरे मेरा दत्तू, अरे मेरा दत्तू, अरे भाई, आ गया, अरे आ गया दत्तू, आ गया मेरा दत्तू, आ गया मेरा दत्तू, आ गया मेरा दत्तू, आ गया। अरे आज 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 ये क्या करता है? कभी हमारे पांव पड़ता है, कभी हमारे गले पड़ता है। चीटिंग! इस होटल में हर नए आने वाले के साथ ऐसा ही होता है क्या? यही गले पड़ता है लेडी लोग नहीं? सॉरी सर, क्या कर रहे हो अर्जुन? अरे दद्दू, मैं। अरे वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तू है तू तू तू, मगर क्वेश्चन ये है कि तू है कौन? अरे मैं थारा पोता दद्दू। पोता? अरे वो क्या होता,
होता तो बाद में दद्दू, थारी बड़ी बड़ी मूछ कहाँ गई? ओयो इडियट, ये मूछ मूछ की क्या बात करता है, फिर तुम पूछे जाके तुम्हारी पूछ किधर गई? अरे मजाक छोड़ो ना दद्दू, अभी अभी गाँव से आ रहे हो क्या? ओयो मीन विलेज, ओ इडियट तुम्हारा चश्मा किधर है? हम तुमको विलेज वाला नजर आता है, हमारा सामान विलेज का है, हम इंग्लैंड फ्रांस जापान इटली से होकर सीधा हिंदुस्तान आया, समझा? चलो चल जाओ। हाँ स्वीटी, हमने तुमको दिल्ली से इस होटल का बुकिंग का वास्ते टेलीफोन किया। ए दद्दू बहुत हो गया ना, मजाक छोड़ो ना अभी। ए छोड़ो इडियट, तू पिए हुए क्या पागल है, पीला काम करता है? स्टॉप इट अर्जुन, क्यों बीच में तमाशा करते हो? अरे तमाशा मैं क्या कर रहा हूँ जी, तमाशा तो ये कर रहे हैं, कपड़ा बदल के बाल काला करके कोई आदमी बदल सकता है क्या? ये मेरा दद्दू है। अरे वाह दद्दू, मैं किसी का दद्दू नहीं, कैसा दद्दू, कौन दद्दू, ना मैं तुम्हारा दद्दू ना किसी का कद्दू, समझू? मेरा मतलब है कि तू समझा। एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम? दशरथ सिंह, सन ऑफ संकटा प्रसाद। अरे वाह प्रसाद प्रसाद, हम क्या मंदिर से आ, जो हमारा प्रसाद बांटेगा तू? चलो लिखो हमारा नाम, सैन फ्रांसिस्को अल्बर्ट कॉन्टिनो डी कोस्टा रोड्रिगे। ये लीजिए सर, आपका रूम नंबर 616। अर्जुन ये तुम्हारे फ्लोर के मेहमान हैं, जरा इनका सामान उठा लो। तो जहाँ मैं हूँ उसी फ्लोर पर ये भी रहेगा। ओ मिस्टर, दिस इज द लास्ट वार्निंग, अगर फिर तुमने हमें दद्दू कहा तो हम तुमको ऐसा बुलो देगा कि तुम्हारा दद्दू बना देगा, समझे? समझ गया दद्दू, समझ गया। ला 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 ली 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 ओ स्वीटिया, बाय 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 बाय, थैंक यू। ये आपका कमरा है, ये रूम है आपका सामान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ रेडियो, गुड गुड। अरे क्या करते हो, कमर खिसक जाएगा तो मुसीबत पड़ जाएगी। अरे हमारा कमर खिसक जाएगा? नो नो नो, इस स्टाइल पर छोकरी लोग मरता है। तुम्हारे होटल का म्यूजिक बहुत थर्ड क्लास है, इस पर ना तो कमर हिलता है और ना ही पांव उठता है। आप अपना सामान गिन लीजिए, मैं चला जाता। हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, आज तक हमने वो नहीं कभी गिने, तो सामान कैसे गिन सकते जी? अच्छा सुनाओ, क्या है दद्दू यहाँ खाने के लिए? क्या है जी? पंजाबी पराठा है, कश्मीरी पुलाव है, साउथ इंडियन थाली है, और लखनवी शम्मी कबाब है। नो 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 नो, हमको कच्चा पट्टी खाना नहीं चाहिए, हमको इंटरकॉन्टिनेंटल खाना मांगता है, काकड़ा पीस लो तीन पूछो विद बटर। सामने फोन है, तीन नंबर घुमाइए, रूम सर्विस से बात कीजिए और जो मंगवाना है मंगवा लीजिए। सुना जी, पीने के लिए क्या है? जी चाय है, कॉफी है और लस्सी है। जी जी लस्सी, ये बाबा बूढ़े लोगों का ड्रिंक है, हमको जवान लोगों का ड्रिंक मांगता है, विस्की रम जिन। पुलिस स्टेशन फोन करके मंगवा लीजिए, पुलिस स्टेशन मेरा मतलब है कि बार में फोन कीजिए और मंगवा लीजिए। सुना उसका क्या होगा? उसका? अरे उसका किसका क्या, किसका? ओ नसवार, नाक में सूंघने के लिए, नीचे पान बीड़ी की दुकान है, अभी भेजवा देता हूँ। सुना बुद्धू, नसवार नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए यंगर रेट लड़की। लड़की है? आपको लड़की चाहिए? अरे शर्म कीजिए, जरा अपने आप को देखिए, अपनी हालत को देखिए, आपको लड़की चाहिए? मैं आपके पोते के बराबर हूँ, आप मेरे दद्दू के बराबर। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने दद्दू का नाम मत लो? नहीं लूंगा मैं आपके सामने अपने दद्दू का नाम लेकर अपने दद्दू की तौहीन नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे दद्दू आपसे असल शक्ल बातचीत इज्जत से कहीं ऊंचे हैं। शट अप, आप जैसे हजारों को मैं अपने दद्दू के ऊपर कुर्बान करके अलग फेंक सकता हूँ, समझ में आया बुड्ढे? बुड्ढे बुड्ढे, हाँ बुड्ढे, शराबी बुड्ढे, कबाबी बुड्ढे, हवाली बुड्ढे, लड़कियों के पीछे भागने वाले बुड्ढे, बुड्ढे तुम मेरे दद्दू कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अरे वेट, रात के 3 बजे दरवाजा खटखटा रहा है कोई, ये होटल है धर्मशाला है? रात के 3 बज गए हैं, ये टाइम है दरवाजा खटखटाने का, क्या बात है?
तुम मेरे दद्दू नहीं हो सकते। हाँ जी मैं बोल रही हूँ। नहीं आप कोई एक्शन मत लीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन अगर अर्जुन की तरफ से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। नहीं मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर को। सर अगर आप उसकी कंप्लेंट कर देंगे तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ऐसे आदमी की तो नौकरी जानी चाहिए। नहीं देखिए अर्जुन बहुत अच्छा इंसान है, अगर आप कुछ और दिन यहाँ रहेंगे तो आप भी उसे प्यार करने लगेंगे। आप भी का मतलब? जी जी मेरा मतलब है आपके दिल में भी उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी। ओ, तो तुम्हारे दिल में भी उसके लिए हमदर्दी है? जी हाँ। जी नहीं, जो दूसरों का दर्द समझता हो उसे कौन नहीं हमदर्दी करेगा। जो इंसान अपने मालिक के लिए अपनी जान दे सकता हो, दूसरों की इज्जत करता हो, उसे तो सभी पसंद करेंगे, है ना? ये बताओ बेटी कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? जी मैं और मेरा अंधा भाई। ओ, तो उस भाई की देखरेख तो तुम ही करता होगा। मैंने तो और कौन करेगा, नारी का दूसरा नाम सेवा ही तो है। हमारा काम हो गया, हो गया। वाह 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 वाह। हम जाकर अपने ग्रैंड सन को बोलेगा कि हमको बिल्कुल तुम जैसा बहू मांगता, अगर वो साला को दूसरा लेकर आया तो हम उसका आंख निकाल कर कान पर लगा देगा और कान निकाल कर आंख पर लगा देगा। अच्छा बेटा थैंक यू, तुम जाओ, अब हम तुम्हारे लंबू का शिकायत नहीं करेगा। थैंक यू सो मच सर। सुनो जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे वो आज तुम्हारा लंबू दिखाई नहीं दे रहा। कौन वो? अर्जुन सिंह साहब। हाँ उसका तो आज जन्मदिन है साहब। जन्मदिन? आज उसका जन्मदिन कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं साहब, है वो तो बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिन आज शाम को मना रहा है। कहाँ? होटल के पीछे स्टाफ क्वार्टर्स में। ओ अच्छा, तुम जाओ जाओ। ए, अर्जुन सिंह कहाँ रहता है? दारू छोटे में। मैं पूछता हूँ अर्जुन सिंह कहाँ रहता है? ओ लड़की है, अंदर है अर्जुन के साथ। आपको भी बुलाया है? Shut up! जोली मैंने तुम्हें 50 वर्ष में वार्निंग दी थी, सिर्फ मोहब्बत करना, प्यार करना, इश्क करना, मौज करना, माँ मत बनना। तुम क्यों माँ बनी? तेरे बाप का राज है। और मेरा क्या होगा, मुझसे तो शादी करोगे ना? शादी शादी शादी। एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक गांव में मेरा वो खूसट बुड्ढा दद्दू जिंदा है, मैं तुम में से किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकता। एक बार उस बुड्ढे दद्दू को लुढ़क जाने दो, बस उसके मरते ही उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। वो सब बेचकर मैं तुम लोगों के लिए 4 माले की बिल्डिंग बनवाऊंगा। पहले माले पर जूली रहेगी, दूसरे पर रानो, तीसरे पर शीला, चौथे पर जमालो और ग्राउंड फ्लोर पर मैं। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होगा, जिसका जी चाहे बुला लो, बस उस खूसट बुड्ढे के मरने तक सबर करो। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि तुम्हारा दद्दू लुढ़केगा ही? भाई अरे फुल गारंटी है। और अगर नहीं लुढ़का तो? लो कर लो बात। अरे कैसे नहीं लुढ़केगा, जरूर लुढ़केगा, अवश्य लुढ़केगा। मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है, तुम सब मुझ पर भरोसा रखो। आज तक मेरे दद्दू ने मेरी कोई बात नहीं टाली, पर तुम लोगों को जगा करने का आज ही का दिन मिला। अरे भूल गई, अरे भूल गई कि आज मेरा जन्मदिन है। यस इट्स माय बर्थडे, आज के दिन हम पैदा हुए थे। थैंक यू थैंक यू। आज तुम दारू नहीं पियोगे? अरे क्यों नहीं पियोगा, आज हम पिएगा भी और पिलाएगा भी। जोले तुम जल्दी से दारू लाओ, शीला तुम सोडा, रानो तुम पानी और जमालो तुम बर्फ। दारू सोडा पानी बर्फ जल्दी। अरे सुनो भाई, किसी का जन्मदिन है उसको फ्रूट खिलाओ, मक्खन खिलाओ, दूध पिलाओ, लस्सी पिलाओ,
अरे भाई ये दार लाए नहीं क्या? लाता मैन। रानी प्रियानी प्रीतानी प्रोलो पानी तुरु 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 हे त्रिया त्रिया प्रिया प्रिया शिगर नगर पुरु 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 हे कुसुम्ब मुकुम्ब मरिया मी तो बुरी बात है कैसे न पीऊ प्यासी ये रात है मैं भी जानू पीना तो बुरी बात है कैसे न पीऊ प्यासी ये रात है ऊपर से हसीनों का हसी साथ है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो हमें गोरी गोरी बाहों में उठा लो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है मेरा है जमाने से अलग रास्ता मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता मेरा है जमाने से अलग रास्ता मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता हमसे खफा क्यों लोग हैं क्या पता ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो हमें दुश्मनों की नजर से बचा लो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है हेलो
मर गए भाई। थोड़ा थोड़ा दिल पे है जवानी का नशा, उस पे फिर नशा है ये तेरे प्यार का। थोड़ा थोड़ा दिल पे है जवानी का नशा, उस पे फिर नशा है ये तेरे प्यार का। तौबा ये नशे में नशा मिल गया, शराबी शराबी निगाहें न डालो, हमारे जवान दिल को यूं न उछालो, कहीं हम गिर न पड़े। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है, ओ पुनो मेरी जा ये गुस्सा दबा लो, हमें तो सहारा गले से लगा लो, कहीं हम गिर न पड़े। अरे हम तो गिर पड़े। पुनो जूली। अरे भाई अर्जुन, जन्मदिन मुबारक हो। हम बिन बुलाए चले आए। तुम्हारा जन्मदिन हो, तुमने हमें खबर तक नहीं दी। मालिक खबर तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन अब रखनी पड़ेगी। मना रहा था जन्मदिन, बन गया मरण दिन। करने कुछ जा रहा था, हो कुछ और गया मालिक। कोई बात, ये प्रेम रोग है, शुरू में दुख देता है। और बाद में मालिक? बाद में बहुत दुख देता है। अरे तो रो क्यों रही है, ये तो अर्जुन का नाटक था। नाटक था? लड़कियों के साथ नाच रहा था, गा रहा था, और आप कहते नाटक था। ये नाचना गाना ही तो उसका नाटक था, मेरे लिए, मुझे जलाने के लिए, मेरी असलियत जानने के लिए। आपकी असलियत? मैं बहुत दिनों से उसके साथ नाटक कर रहा हूँ। अल्बर्टो डिकॉस्टा रॉड्रिक बना हुआ हूँ। एक बेटी, ना मैं अल्बर्टो हूँ ना रॉड्रिक हूँ, मैं तो उसका दद्दू हूँ। दद्दू? मैं उसका दादा हूँ, उसकी माँ हूँ, उसका बाप हूँ, मैं उसका सब कुछ हूँ। वो मेरे बुढ़ापे की लाठी, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो फिर आपने ये सब कुछ क्यों किया? बेटी वो बहुत भोला है, इस दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझता है। मैं उसे दुनिया दिखाना चाहता था, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन इस दुनिया में रहना है तो जुदाई की आदत डालनी ही पड़ती। फिर मैं और कितने दिन जीऊंगा? मगर बेटी अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा बच्चा दुनिया समझ गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब मैं तुझे और उसे लेकर फौरन गांव जाऊंगा और धूमधाम से तुम दोनों का ब्याह करूंगा। जो घर अर्जुन के बगैर सूना पड़ा है, वो तुम दोनों के आने से फिर से बच जाएगा। जीती रहो पूनम दीदी। पूनम दीदी, पूनम दीदी, वो जो होटल में काम कर रहा लंबा लंबा सा, क्या हुआ? वो बस के नीचे आ गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू? देखो बेटे, जिंदगी में हर मजाक कर लेना, लेकिन इस बूढ़े से फिर कभी ऐसा मजाक न करना। लो कर लो बात, बूढ़ा मिस्टर अल्बर्ट डिकॉस्टा रॉड्रिक, अभी तो आप जवान हैं। और आप इस घर में क्या कर रहे हैं? आपके कदम यहां भी आ पहुंचे? सुनो पुन्नो, मेरे दद्दू कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या मिस्टर अल्बर्ट डिकॉस्टा रहेंगे या हम रहेंगे, फैसला कर लो। जी जी जी, कैसी बातें कर रहा है, मैं तो तुम्हारा दद्दू। दद्दू? कैसा दद्दू, कौन सा दद्दू? मुझे तो सिर्फ कद्दू मालूम है, ये दद्दू क्या होता है? अब बस भी कर बेटे, तू जीत गया मैं हार गया, बस। तो तुम सैन फ्रांसिस्को अल्बर्ट कॉन्टिनो डिकॉस्टा रॉड्रिक्स नहीं हो? उसे तो तूने बस के नीचे कुचल कर मार डाला, मैं तुम्हारा दद्दू हूं। और वो शराब? किस उल्लू के पट्टे ने कभी पी है? मैं तो गंगा जल में जलेबी का रंग मिलाकर पीता रहा। बेटे
कई दिनों से ये बूढ़ा अपने ही नाटक की आग में जल रहा है। आ मेरे गले लग जा, ए मेरे बच्चे मेरे गले लग जा, बस एक बार मेरे गले लग जा। दद्दू, मैं किस आग में जलता रहा ये तुमने कभी सोचा? आते ही तुमने शराब मंगवाई, लड़की मंगवाई, मैं तो रात भर नहीं सो सका, बस सोचता रहा, रोता रहा। गांव में जब मुझे छींक आती थी तो तुम वहां के सारे डॉक्टर सारे हकीम बुलवा लेते थे, सारा गांव बुलवा लेते थे मेरी बच्ची। लेकिन यहां तुमने मेरी खबर तक न ली। फिर मैंने भी कसम खा ली कि अगर तुम मेरे बाप के बाप हो तो हम भी तुम्हारे पोते हैं। दद्दू, हम तुम्हें अपना दद्दू मनवा के ही रहेंगे। तुमने हमें बहुत सताया दद्दू, बहुत रुलाया। वो तो इसलिए कि कोई दूसरा तुझे ना सताए, दुख ना दे। अब चलो गांव वापस चलते हैं। मैं गांव से खाली हाथ आया था, मगर अब बहू को साथ लेकर जाऊंगा। नहीं दद्दू, अभी थोड़ी देर है। क्यों, देर किस बात की? पापी ने कहा था ना, जिसका नमक खाओ उसकी नमक हलाली करो। हाँ? मेरे मालिक की जान खतरे में है, जब तक उसके नमक की कीमत अदा नहीं करता मैं यहां से जाने वाला नहीं। अगर ये बात है तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? राजा अब तक जिंदा क्यों है? इसलिए कि मैं उसे नहीं मार सकती और नहीं उसे मारूंगी, ये सौदा मुझे मंजूर नहीं है। राजा तो अब तुम्हारे हाथों खत्म होगा, वरना बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। यकीन नहीं आता? जरा मुड़ कर देखो। मम्मी, ले जाओ इसे वापस। देखा, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, वापसी का कोई चांस नहीं। तुम हमारा काम कर दो, हम इसे छोड़ देंगे, वरना ये मारी जाएगी, इसके साथ राजा भी, और सारा इल्जाम तुम पर आएगा। बोलो, मंजूर है? गुड। नमस्कार मिस निशा जी, राजा बाबू ने आपके लिए ये फूल भेजे। राजा बाबू नहीं है जी? नहीं, राजा बाबू को अचानक 401 बुखार हो गया, इसलिए वो नहीं आ सकते। 401 बुखार? ओ, मेरा मतलब है 104। क्या बात है, आप तो दुखी हो गई? राजा बाबू के ना आने से आपकी पार्टी का मजा किरकिरा हो गया। मेरा मतलब है कि इतनी शानदार पार्टी दी है आपने और अब वो बेकार चली जाएगी, है ना? बेकार क्यों जाएगी? पार्टी दी जरूर होगी। राजा बाबू क्या समझते हैं अपने आप को? दो पैसे क्या कमा लिए, दिमाग चौथे आसमान पर पहुंच गया है। और निशा जी, वैसे मुहावरा सातवें आसमान का होता है। शट अप प्लीज। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? ये तो यूं ही मजाक कर रहा है, आप बुलाएं और हम ना आए ऐसे तो बीमार नहीं। अरे आपकी दावत पे तो हम चलती चिता से उठकर चले आए। सब कुछ कह दिया या कुछ बाकी है? लो, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई जल्लाद मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा हो। बहुत कुछ बाकी है, अभी जिंदगी में तो जीना बाकी है, जीने के बाद मरना बाकी है, बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है। फिलहाल तो क्या? रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। Thank you.
नहीं मानने दो। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते। तो अंजाम होगा हंसी, दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं। आगाज ये है तो अंजाम होगा हंसी, दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं। आ दिल रुबा खुल के जरा मिल यार से, रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो।
सोचो ना, देखो तो देखो, हाँ जाने जा मुझे प्यार से। रात बाकी, बात बाकी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है राजा बाबू अभी बहुत कुछ बाकी है। आप यहीं ठहरिए, हम पता लगा के आते हैं कि वो बाकी क्या है। और राजा बाबू अगर हम ना आए तो हमारे दद्दू को मत कुछ कहिएगा। अगर अर्जुन सिंह को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मालिक, मालिक, हमें कुछ नहीं हुआ। वैसे हो तो बहुत कुछ सकता था, लेकिन हमने होने नहीं दिया। ये देखिए, ये कौन है? मालिक क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ की औलाद। पानी की तह में चाकू लेकर आपका इंतजार कर रहे थे, पहुंच गए हम तो ये हमें आर समझकर हम पर चल बैठे। अब हमारी टांग इनके हाथ में और इनकी गर्दन हमारे हाथ। कभी ये हमारा पांव दबाए तो कभी हम इनकी गर्दन दबाए, कभी हम इनके ऊपर तो ये हमारे नीचे, कभी ये नीचे तो हम इनके ऊपर। इसी ऊपर नीचे में मालिक हमारा हाथ इनके चेहरे तक गया और हमने इनका लगाम उतार दिया। और हमने पूछा, क्यों भाई, कौन हो तुम, कहां से आए हो, पानी के जानवर हो या धरती के? तो ये चुप। और जैसे ही मालिक मैं इन्हें आपके पास आने लगा तो न जाने इन्होंने कहां से एक गोली निकाली। और उसके बाद ये चाल किसकी हो सकती है मालिक? ये तो ये नहीं, ये कैसे बताएंगे? इनकी आत्मा तो ऑलरेडी परमात्मा से मिल चुकी है। अब तो ये बात आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द, आपकी नूर नजर मिस निशा ही बता सकती हैं, क्योंकि मालिक ये जो पार्टी है ये तो आप ही की दी हुई थी और
यानी कि तो यह था तुम्हारा असली रूप। मेरी मौत की लकीर तुम्हारे हाथों में नहीं है। मैंने तुम्हें प्यार ढूंढा, जिंदगी तलाश की, लेकिन तुम बिल्कुल बिकाऊ पंछी निकली। जिसने खरीदा उसी के घोंसले को घर समझ बैठी। तुम बचपन से अब तक डूबते सूरज में मौत देखती रही हो ना, तो ये लो, लगा लो मौत को गले और इस खूबसूरत जिस्म से बदसूरत आत्मा को अलग कर दो। अगर ये काम तुम नहीं कर सकी तो मजबूरन ये काम मुझे करना पड़ेगा। राजा बाबू शट अप। अब मैं तुम्हारी आवाज में सिर्फ मौत की हिचकी सुनना चाहता हूं। मुझे अपने मरने का गम नहीं है राजा बाबू, गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही वो आप हैं और आपको पाते ही खो रही हूं। मैं जानती हूं आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जान की हिफाजत के लिए मैं आपसे अपनी जान की चंद दिनों के लिए भीख मांग रही हूं। लगता है तुम्हारा नापाक खून मेरे ही हाथों में लिखा है। मैं अपने नापाक खून से आपके हाथ नहीं रंगने दूंगी। अर्जुन सिंह, ये क्या गोलियां हैं मालिक? जो इनके पिस्तौल में थी हमने चुपचाप से निकाल ली, क्योंकि अगर हम नहीं निकालते तो इनके दिल के अंदर जो राज छुपा हुआ है वो कैसे निकलता? ये तो ऊपर चली जाती, साथ में उन लोगों का आता पता भी ले जाती जो आपको मारना चाहते हैं। देखिए मिस निशा, हमारे दद्दू कहते हैं कि पापी को मत मारो, पापी के दिल के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है उसे मारो। आपके दिल के अंदर भी कुछ ऐसे शैतानों के नाम हैं जो हमारे राजा बाबू की जान लेना चाहते हैं। उन नामों को आप बता दीजिए, आपके अंदर जो शैतान है वो खुद ब खुद मर जाएगा। यकीन करो मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने तुम लोगों को देखा तक नहीं, सिर्फ आवाज सुनी, एक औरत की आवाज आती है। एक औरत की आवाज? हाँ। सुनिए अर्जुन सिंह, औरत की आवाज, और ये औरत सावित्री माँ के अलावा कौन हो सकती? मालिक, मालिक, न जाने क्यों जब भी आप माँ जी का नाम लेते हैं हमारे सर से लेकर पांव तक एक अजीब सी बिजली दौड़ जाती है। आप बिना सबूत के उनका नाम ना लें तो बड़ी मेहरबानी होगी मालिक। सबूत चाहिए तुम्हें? अच्छी बात है, ये सबूत, ये वो खत है जो मेरी जान पर हमला होने के बाद मुझे मिला था और जिसके पढ़ने के बाद तुम सारी कहानी खुद ब खुद समझ जाओगे। बोलो कोई जवाब है? मालकिन कैसे हो सकता है? आपको जरूर धोखा हुआ होगा। नहीं नहीं मेहता जी, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। मैंने खुद उसे देखा है, वो अब तक जिंदा है। आप पता लगाइए कि वो बचा कैसे। जी अच्छा। हाँ तुम गलत मौके पर आ गए ना। आप समझिए हम मर गए और आपका प्लान कामयाब हो गया, मगर हमें जिंदा देखकर आपका प्लान चौपट हो गया। किससे हमारे जिंदा रहने का दुख जाहिर करेंगी ना? कौन है वो आपके जर खरीद गुलाम जो आपके एक इशारे पर हमें हमेशा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं? बुलाइए उन्हें और कहिए कि अगर वो मट के बच्चे हैं तो हमारे सामने आए और खुलकर मुकाबला करें हमसे। बुलाइए। कैसी बातें कर रहे हैं राजा? मैं और तुझे मरवाना चाहूंगी? एक माँ अपनी औलाद का खून कर सकती है? कौन माँ? किसकी माँ? मुझे सब मालूम है, आपकी असलियत का पता चल चुका है। अब और ढोंग रचाने की जरूरत नहीं। मेरी माँ मर चुकी है और मेरे पिता की मौत की वजह भी आप थी। अपने प्यार के जाल में फंसकर उनको मौत की नींद। यार तूने क्या कह दिया? तूने मुझे गाली दी है।
मेरी वफादारी और तपस्या का अपमान किया है, नमक हलाली के मुंह पर तमाचा मारा है। अरे क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी? मेरे पति ने अपनी जान दे दी, मैंने अपना घर उजाड़ लिया, अपनी औलाद से रिश्ता तोड़ दिया। सिर्फ दौलत के लिए मुझे आपकी सारी कहानी मालूम पड़ चुकी है। क्या कुर्बानी की है आपने और आपके पति ने? आपके पति भीम सिंह ने अपने बूढ़े बाप दर्श सिंह का घर छोड़ दिया, गांव लखनपुर छोड़ दिया और आपसे शादी कर ली। क्यों? ताकि आप और आपका पति मेरे बाप की दौलत लूट सके। मेरे पति एक वफादार इंसान थे, मरते वक्त उन्होंने मुझसे वचन लिया, चाहे हमें अपनी औलाद कुर्बान करनी पड़े लेकिन मालिक के बेटे राजकुमार को बचा लेना, उसे उसका हक दिलवा के रहना। तुम्हारे लिए मैं अपने ससुर की नजरों में दोषी बन गई, उन्होंने मेरी औलाद मुझसे छीन ली, मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे ये वचन लिया कि कभी भूल कर भी मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कहूंगी, सामने आ जा तो भी उसे पहचानने से इनकार कर दूंगी। सारी जिंदगी तेरे सहारे, सिर्फ तेरे सहारे जीती रही और आज आज हमारी कुर्बानियों और त्याग को लालच का नाम देकर बदनाम कर दिया। जा बेटा जा, भगवान तुझे सुखी रखे। हम तो पैदाशे गरीब हैं, जिंदगी भर नौकरी करते रहे, हमें दौलत से क्या लेना देना? ये सारी जायदाद, सारी दौलत, सारे होटल, सब कुछ तेरा है। मैं आग लगा दूंगा ऐसी दौलत को जो मेरी मौत का कारण बने। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ बेच दूंगा, सब कुछ, एक एक चीज बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा। मां जी, अर्जुन राजा ये सारी जायदाद, सारे होटल बेचने वाला है, वो अपनी जिंदगी का दुश्मन बन गया है। उसे रोक ले अर्जुन, वो मेरी बात नहीं मानेगा, मुझसे नफरत करने लगा है। कुछ मत बिकने देना वरना करामत आ जाएगी। अपने पति को दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा सकूंगी। मैं तेरे पैर पर। अरे माँ जी, ये क्या कर रहे हैं? नहीं माँ जी, ये हाथ पांव छूने के लिए नहीं, सर पे रखकर आशीर्वाद देने के लिए। माँ जी, एक बार हमने आपसे कहा था कि हमारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है, वो हमने अनजाने में कहा था। माँ जी, हमारी हमारी माँ तो हमारे सामने खड़ी है। आपने अपने पति को वचन दिया था माँ जी, आज आपका ये बेटा आपको वचन देता है। हम कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी, हम कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी, मालिक को हम कुछ नहीं बेचने देंगे। आपकी कसम माँ जी, हम कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी, कुछ नहीं बिकने देंगे, कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी। हाँ हाँ, मैं सारी जिंदगी तुझसे झूठ बोलता रहा कि तेरी माँ मर चुकी है। जानना चाहता है तो उसकी असलियत तो सुन। उस डैन ने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया, तेरा बाप। नहीं दद्दू, मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। जिस औरत ने गैरों के लिए सब कुछ त्याग दिया वो ऐसा नहीं कर सकती दद्दू। तुमने ये सुना होगा लेकिन देखा तो नहीं ना। क्यों दद्दू, क्यों मेरी मां को मुझसे जुदा किया तुमने? माँ के प्यार को मुझसे क्यों छीन लिया तुमने? तो क्यों छीन लिया बोलो। क्या मैंने तुझे प्यार नहीं दिया? बहुत प्यार दिया है तू, बहुत प्यार दिया तुमने, लेकिन आज आज एक आदमी मेरी माँ को बदचलन कहता रहा, उसे गालियां देता रहा, वो फूट फूट कर रोती रही और मैं अपनी माँ के आंसू तक न पहुंच सका। और वो सिर्फ इसलिए दद्दू कि तुम्हारा सिखाया हुआ नमक हलाली का सबक बीच में आ गया। उस नमक को मैंने अपने जख्मों पर मल लिया और खामोश हो गया दद्दू। और एक बात बता दो, जो मैं देख कर आ रहा हूं, मेरी जगह अगर तुम होते ना, तुम्हारा सर भी उस देवी के कदमों में झुक जाता। अगर राजकुमार होटल बेच रहा है तो उसे बेचने दो, तुम क्यों परेशान होते हो? लेकिन डैडी, अगर होटल हमारे हाथ से निकल गया तो खरीदेगा कौन उसको? हमारे अपने आदमी। हाँ तो साहिबान, ये तो हो गया आप लोगों का परिचय।
और आप लोग आए हैं इस होटल को खरीदने। देखिए बात दरअसल ये है कि हमारे मालिक जो है ना उनका थोड़ा स्क्रू ढीला है। आपसे पहले भी यहाँ पर बड़े बड़े मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे आपसे भी भयानक सेठ लोग आए इस होटल को खरीदने, लेकिन मालिक ने उन्हें जूते मार मार के इस शहर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब क्या करें, ये होटल इस शहर में ही क्या बल्कि इस मुल्क में वन पीस है। तो अगर आप लोगों को ये होटल खरीदना है तो मालिक की इन बातों को थोड़ा सहना पड़ेगा। तो जैसा मालिक करें वैसा ही आपको करना होगा। मालिक आके खड़े हो जाए तो आप भी खड़े हो जाइए, मालिक कुर्सी खींचे तो आप भी कुर्सी खींचिए, मालिक बैठ जाए तो आप भी बैठ जाइए, मालिक छींके तो आप भी छींकिए, मालिक नाक खुजाए तो आप भी खुजाइए, मालिक खांसे तो हम भी खा लेंगे। अर्जुन सिंह, हाँ जी, मालिक आ गए। मालिक कलाकारों नाटक शुरू। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं। हम तो ठीक हैं। कमाल है। से ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, जी, 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 मालिक आप शुरू कीजिए। आप लोग सीधे सीधे खाना खाइए ना, ये नाटक क्यों कर रहे हैं भाई? आप खाना खाइए, मैं इन लोगों का इलाज करता हूं। अर्जुन सिंह, तुम्हें मालूम है हमें मक्खियों से सख्त नफरत है। अर्जुन सिंह, तुम्हें मालूम है हमें मक्खियों से सख्त नफरत है। मालिक आप घबराइए मत, मैं इस मक्खी को अभी अभी दूर किए देता हूं। पकड़ लिया मालिक, पकड़ लिया। बदतमीज जलील, क्या लगता आपसे? नहीं सेठ जी, वो मैं मक्खी से कह रहा था, ये उस महान सेठ के सर पे जा टिकी जिसके सर पे एक बाल न टिक सका। हिलिएगा मत सेठ जी, हिलिएगा मत, इस मक्खी ने आपके सर का अपमान किया है, मैं इसके सर को कुचल के रख दूंगा। ये कहां चली गई? अरे हरामजादी, जानती है तू कहां चली गई है? ये सेठ तलवार की नाक है, सेठ तलवार। कल ये बंदूक होंगे, परसों तोप होंगे, जरा सोचो तेरा क्या हशर होगा। सेठ जी हिलिएगा मत, बिल्कुल मत हिलिएगा, मैं अभी अभी इसको कहां गई? अरे तू जहां भी जाएगी मुझे वहीं पर आएगी। देखो तो साली, हाँ? अबे सेठ किरोड़ी मल की मूछ का एक एक बाल एक एक लाख के बराबर का है। ये साली उन बालों को मैसूर का जंगल समझकर पिकनिक मनाने घुस गया है। हिलना मत सेठ जी, हिलना मत तुम। पकड़ लिया। ये आपकी अमानत। लेकिन मक्खी वहां बैठी जी, हिलना नहीं, जान चली जाएगी लेकिन आप नहीं जानी चाहिए। Oh, my God.
आ गए साले, हमारे मालिक का होटल खरीदने आए थे। अरे मालिक, अगर आपका होटल बिक जाता तो हमारी तो नाक ही कट जाती। अर्जुन सिंह मालिक हिलना नहीं, नहीं लूंगा मालिक। मालिक होटल मत बेचना मालिक। उन्हों जल्दी बोलो, कुछ समझ में आ रहा है लिखाई किसकी? कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मुझे लगता है ये लिखाई हमारे मैनेजर रंजीत की लिखाई से बहुत मिलती जुलती है। ला, मेरा आधा काम तो हो गया। फिर अर्जुन सिंह बोलिए। सालिम सिंह, सालिम सिंह तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा नाम रंजीत सिंह है। अजी साहब, आपका नाम जो, हम तो आपको जालिम सिंह ही बुलाएंगे ना। अरे एक बात, आप बकते हो? बक नहीं रहा हूं जालिम सिंह जी, आपकी लिखावट की तारीफ कर रहा हूं। सुंदर, अति सुंदर। आप चाहे फाइल पे लिखें या किसी पुर्जे पर, लिखावट बिल्कुल एक जैसी। मगर वाह साहब वाह, इसमें नाम तो माजी का और काम आप जैसे किसी पाजी का है। अब बोलो अर्जुन सिंह। ये देखिए एक और हाजिर, आप किसी तरह जलाते रहिए, हम किसी तरह हाजिर करते जाएंगे। गरज ये इन्हें जलाते जलाते आप अपने हाथ जला बैठेंगे, और अगर आपके हाथ कहीं जल गए तो आपके हाथ में जो धनवान बनने की लकीर है वो भी जल जाएगी। जी हाँ, तुम आते क्या? हम आपके भेजे में बस एक बात भेजना चाहते हैं, वो ये है कि हम भी आप ही की तरह धनवान बनने का शौक रखते हैं और इसी का सौदा करने आए। कैसा सौदा? राजा बाबू की मौत का सौदा। देखिए साहब, आपने उन पर कई हमले किए, हम उन्हें बचाते रहे, और माफ कीजिएगा, आप तो उनके चारों तरफ भिनभिनाते हुए एक मक्खी भी ना मार सके। जनाब बात हमारे हाथ में होती तो एक आध गोली तो हम मारी रहते ना। हाँ, इसलिए भलाई इसी में है कि हम और आप मिल जाए, पार्टनरशिप 50-50। ठीक है अर्जुन सिंह, अगर मैं तुम्हारा सौदा मंजूर कर भी लूं तो तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ, अब आए ना औकात पे। हाँ तो साहब, अब हमारा प्लान भी सुन लीजिए। हमारा प्लान तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हम यहां आए। हमने अपनी जान पर खेलकर राजा बाबू की जान बचाई। बोलो क्यों? वो इसलिए, जब हम राजा बाबू की हत्या करें तो कोई हम पे शक ना करे, और राजा बाबू की मौत के बाद उनकी करोड़ों रुपए की जायदाद 50-50। हमारा प्लान तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हम यहां आए। हमने अपनी जान पर खेलकर राजा बाबू की जान बचाई। बोलो क्यों? जब हम राजा बाबू की हत्या करें तो कोई हम पे शक न करे, और राजा बाबू की मौत के बाद उनकी करोड़ों रुपए की जायदाद 50-50। तुम तो अजीब दो गले किस्म के आदमी निकले, जैसे बेपैंदे का लोटा। हमसे मिले तो हमसे सौदा कर लिया, इनसे मिले इन्हें सौदा बेच दिया। तो क्या यह सच है? मालिक, जब सच्चाई सामने है तो हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? कमीने गद्दार! देखिए मालिक, मुंह से बात कीजिए, हाथ से नहीं। मालिक, हम कह देते हैं, बात मालिक मालिक कर लिया, अब हाथ रोक ले। मालिक और नौकर का रिश्ता खत्म हो गया। अब की बार हाथ उठाए ना तो सीधा ऊपर वाले मालिक के पास पहुंचा दूंगा। अरे तुम क्या ऊपर पहुंचाओगे? ये क्या कर रहे हैं आप? एक दो टके के नौकर का खून बहाकर आप फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? छोड़िए। अरे ये क्या फांसी पे चढ़ेगा, और क्या किसी का खून बहाएगा? इसके लिए तो पत्थर के सीने में फौलाद का दिल चाहिए।
अर्जुन सिंह चले जाओ वरना ना क्या करेगा। अगर किसी शरीफ कोख से जन्म लिया है तूने, अगर किसी इज्जतदार बाप के खून का एक कतरा भी तेरे शरीर में है तो आजा बाहर होटल के। अर्जुन सिंह बाबू, अब तक तूने मेरी नमक हलाली देखी है, अब मेरी नमक हरामी देखना। तेरी हस्ती को मिट्टी में ना मिलाकर रख देना तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह। किसकी हस्ती मिटाने जा रहा था तू? हाँ, मेरे बेटे की, मेरे राजा की? तू समझता क्या है अपने आप को, बदतमीज? सारी जिंदगी तो गुजर चुकी है बाबा, हम और कितने इम्तिहान लेगा। हमसे जितना हो सका हम अपना फर्ज निभाते रहे, लेकिन इंसानों के लिए तेरा भी तो कोई फर्ज है भगवान। अब और कौन सा वचन लेने आए पिताजी? मैं वचन लेने नहीं आया बेटी, मैं तुमसे क्षमा की भीख मांगने आया हूं। ये गुनेगार बूढ़ा अपनी बहू के बीते हुए दिन तो नहीं लौटा सकता, लेकिन क्षमा मांगकर अपने गुनाहों का बोझ तो हल्का कर सकता है। नहीं पिताजी, तकदीर की किताब में जो लिखा होता है इंसान मजबूरन वही करता है। अगर ना लिखा होता तो ना आप मुझसे वचन लेते, ना मैं वचन निभाती, और आज तक अपने बेटे से जुदा नहीं रहती। तो तोड़ दे जुदाई की दीवार को और लगा ले अपने बेटे को सीने से। अर्जुन बेटा, मेरा बेटा। बस माँ, यही तो तमन्ना थी कि मुझे भी मारने वाली कोई माँ हो जो डांट कर मुझे चाटा मारे और रोकर सीने से लगा ले। ऐसे मत बोल बेटे, ऐसे मत बोल। बोल लेने दे माँ, बोल लेने दे। जब से पैदा हुआ मैंने अपनी माँ से कुछ बोला ही नहीं। कितने बदनसीब हैं वो लोग माँ जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिलता, लेकिन कितना खुश नसीब हूं मैं जिसे माँ मिली, माँ की मार मिली, माँ का प्यार मिला। नहीं बेटे, मैंने तुझ पर हाथ उठाया। तूने तो सिर्फ हाथ उठाया माँ, तेरे लिए, तेरे वचन के लिए तो मैं इस दुनिया से उठने के लिए भी तैयार हूं। अर्जुन क्या ये तुम क्या कह रहे हो? यस सर, सावित्री अर्जुन सिंह माँ बेटे हैं। माँ बेटे? जी। लेकिन सावित्री माँ ने तो सबके सामने, हाँ सर, ये सबके सामने थप्पड़ मारना, चिल्लाना और उसे जलील करना, ये सब एक ड्रामा था, नाटक था। लोग तो दौलत के लिए न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, उसने तो सिर्फ उसे थप्पड़ ही मारे क्योंकि उसकी नजर आपकी दौलत पर है। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो आपकी जान पर बार बार हमले हो रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही हाथ है, और वो है सावित्री का, जिसे दुनिया वाले देवी समझते हैं। आपको मेरा यकीन नहीं आता ना? ठीक है, भैरव, सर, यह है भैरव पी, अर्जुन सिंह के गांव का रहने वाला है और उसके बचपन के दिनों का दोस्त। भैरव जी, आपको बताओ सावित्री देवी और अर्जुन सिंह का क्या रिश्ता है? जी, वो दोनों माँ बेटे हैं। देखा सर, ठीक है तुम जा सकते हो। इस वक्त अर्जुन सिंह कहाँ होगा? सर आप फिक्र मत कीजिए,
वो जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। रंजीत बाबू छोड़ दीजिए। भैया बताओ अर्जुन सिंह कहाँ है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। और हम बिना मौका दिए ही आपको बताए देते हैं कि हम यहाँ अर्जुन। थैंक यू। हाँ तो जालिम सिंह जी, बात दरअसल यह है कि आप निशाना हमेशा गलत लगाते हैं। मालिक पे लगाया तो गलत, नौकर पे लगाया तो गलत, क्योंकि बेसिकली आप आदमी ही गलत हैं। ये देखा, आप जैसे बेईमानों की छत्र छाया में रहकर एक आध बेईमानी का पैतरा हमने भी सीख लिया है। खैर, पहले तो मैं आपसे इन कपड़ों की सिलवाई लूंगा, उसके बाद खुलवाई लूंगा और फिर आपकी धुलाई करूंगा, क्योंकि अभी अभी जो आपने तीन चार गोलियां इधर उधर चलाई, कहीं एक आध गोली यहां चला देते जैसे कि अब हम चलाने वाले हैं तो बहुत फायदे में रहते। यानी कि समझ है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, तो शाले अब ये बताओ कि इस सारे चक्कर का हैंडल कौन घुमा रहा है? क्योंकि इतना बड़ा चक्कर जो है वो तुम्हारे जैसा चक्कर हम तो चला नहीं सकता। ये तो किसी बहुत बड़े 420 चालबाज चरित्र वाले चक्रम का चक्कर मालूम पड़ता है। बोलो बेटा कौन? मेरे पाप। यानी अल्टीमेटली इन्होंने बता ही दिया। अच्छा तो तुम्हारे बाप भी हैं? कितने बाप हैं? मैं मेरा मतलब है कहा तुम्हारा बाप? हाँ मेरे साथ चलो चलो बेटा। बाय तुम्हारा बाप। बाय। इतने सारे बाप हैं तुम्हारे? नहीं 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 बेटे, आप तो दुनिया में सबका एक ही होता है। वैसे मिस्टेक नहीं, तुम्हारे भी बाप, लेकिन मान गए तुम्हें बेटे। हम तक पहुंचने के लिए हमारे बेटे को मौत के जाल में फंसाकर हमारे घर तक चले आए। तुम्हारा बाप जब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तुम किस खेत की मूली हो? उधर देखो, हैरान होने की जरूरत नहीं है बरखुरदार, इनका तारुफ हम खुद करवाए देते हैं। बरखुरदार, यह है तुम्हारी मां और यह है तुम्हारे परम पूज्य दद्दू और यह तुम्हारा बचपन का दोस्त निशा की मम्मी। ये हैं तुम्हारे मालिक की मिस निशा। जी भर के देख लिया बरखुरदार, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रिवॉल्वर मेरे बेटे को सौंप दो और एक सौदा कर लो, वरना तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। अर्जुन सिंह, मेरे पास वक्त नहीं है, रिवॉल्वर मेरे बेटे को सौंपते हो या? ठहरो ठहरो, that's good, good। समझदार बच्चे हो, अपने बाप की तरह जिद्दी और बेवकूफ नहीं हो। जो सौदा तुम्हारा बाप ना कर सका वो तुम कर सकते हो। हमें इन पेपर्स पर राजकुमार के दस्तखत चाहिए, उसके बाद उसकी लाश। ये दोनों काम करके तुम इन सबको ले जा सकते हो। नहीं, नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूं। मैं राजा बाबू की जान नहीं ले सकता। जान नहीं ले सकते, दस्तखत तो करा सकते हो। जान लेने का काम हमारे साहबजादे कर लेंगे। फांसी चढ़ोगे तुम। बोलो मंजूर है? सोच लो राजा बाबू।
क्या? दो दिन हो गए मालकन का कहीं पता नहीं चल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं क्या करूं? मेरे पास क्यों है? उनकी इतनी फिक्र है तो जाओ किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। ठीक है, अगर पता नहीं चला तो पुलिस स्टेशन भी चले जाएंगे। फिलहाल आप ये वसीयत संभालिए और मुझे इस जिम्मेदारी से आजाद कीजिए। वसीयत? कैसी वसीयत? आज से 15 साल पहले सावित्री देवी ने वसीयत बनवाकर मेरे यहां रखवाई थी और कहा था, वकील साहब अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो ये वसीयत मेरे बेटे राजा तक पहुंचा देना। तो क्या मां ने 15 साल पहले ये दौलत, ये जायदाद मेरे नाम लिखवा दी थी और मैं उन्हें गालियां देता रहा? सर, सर प्लीज बाहर आइए, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या फैसला किया? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, जो तुमसे कहा गया है वो करते हो कि नहीं? या फिर नहीं, मैं करता हूँ, आप जो कहेंगे वही करूँगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हारे पिता की कुर्बानी और मेरी सारी जिंदगी की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। ऐसे मत करना बेटा, ऐसे मत करना। क्या मिला है तुम्हें उस तपस्या का जिसके लिए तुमने अपना घर छोड़ दिया, अपनी औलाद छोड़ दी? उस राजा बाबू ने बदले में तुम्हें क्या दिया है? ठोकरें, गालियां? ऐसे खुदगर्ज इंसानों के साथ ना तो वफादारी की बात करनी चाहिए ना नमक हलाली की। बल्कि मैं तो कहता हूं ऐसे कमीनों को हलाल करके उन्हीं के नमक में दफन कर देना चाहिए। ऐसा मत बोल बेटे, हमने उनका नमक खाया है, तू नमक हरामी मत कर। अरे बस करो दद्दू, ये नमक हरामी और नमक हलाली के सबक अपने पास ही रखना। तुम्हारी दी हुई शिक्षा की वजह से आज मेरी माँ यहाँ बंद है और तुम्हारी ये हालत बनी हुई है। रुक जा बेटा, तुझे मेरी कसम, तू जिसे मारने जा रहा है तेरी जिंदगी उसी के बाप की दी हुई है। नहीं माँ, मुझे मत रोको, आज बरसों बाद मुझे माँ मिली है, मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। माँ के प्यार के लिए, उसकी ममता के लिए मैं राजा बाबू को कुर्बान कर दूंगा, मुझे मत रोको। हेलो, मेरा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा। जाओ बेटे। और सुनो, जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी चिताओं को आग लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ साहब, मैं राजा बोल रहा हूँ जी। दो दिन से माँ का पता नहीं, आप कुछ भी कीजिए माँ का पता लगाइए प्लीज। थैंक यू। कल तक जिस माँ को गालियां दे रहे थे आज उसके बारे में बहुत चिंतित हो रहे हो, क्या बात है? माँ की जिंदगी मुझे मालूम है और उनकी जिंदगी तब तक खतरे में रहेगी जब तक तुम इन कागजात पर साइन नहीं करोगे। अर्जुन क्या तुम वक्त बर्बाद मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। चलो चलो पेन लो। क्या करो रंजीत, दस्तखत करने से पहले अगर इसे कुछ हो गया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो राजा बाबू, हमें और स्त्रियों को आपकी जरूरत नहीं। भाई राजा बाबू, तो मिस्टर फिफ्टी फिफ्टी आप धन्यवाद। लाइए लाइए लाइए। ये क्या बदतमीजी है? क्या करें मिस्टर गिरधर, आपने हमारे सारे खानदान के सर पे कफन बांध दिए, हमने वो सारे कफन उतार कर आपके बेटे के सर पे बांध दिए क्योंकि आपके बेटे के मन में खोट पैदा हो गई थी। राजा बाबू को खत्म करने के बाद ये हमें भी खत्म करना चाहते थे। यानी कि हमारे बेटे ने, हाँ हाँ, आपके साहबजादे ने राजा बाबू के सीने में पूरी 3 गोलियां दागी। मेरे राजा को मार दिया। राजा बाबू की मौत का सौदा
इन लोगों की जिंदगी के साथ हुआ था। कीमत मेरे हाथ में है, पहले आप इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, मगर पेपर्स मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, छोड़िए इन्हें। ठीक है, छोड़ दो उनको। तुम इन सबको लेके निकलो भैरों। हेलो, क्यों, अब क्या हो गया? इन पर दस्तखत नहीं है, गायब हो चुके हैं। लो कर लो बात, लगता है ऊपर वाला आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। इतनी मेहनत के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला? पिछले जन्म में कुछ बात किए थे क्या? रखो मत बेटे, अब क्या होगा ये देखो। लेकिन डैडी दस्तखत तो मेरे सामने किए थे। अब तुम दोनों बाप बेटे ये डिसाइड कर लो कि राजा बाबू के दस्तखत लेने ऊपर कौन जाने वाला है। बरखुरदार, ऊपर तो तुम ही जाओगे। नहीं, इस बदतमीज ने गोली चलाई है। जनाब, हमने तो नहीं चलाई। हमने चलाई। राजकुमार, बदतमीज से हाथ ऊपर करो। अच्छा, तो आप ही हैं वो चाचा जो हमारी क्रिया पे बैठे थे। देखे, ये तो जिंदा है, और तुम कहे थे कि तुमने अपने हाथों से इस पे गोली चलाई थी। अरे भाई, जब आप दुनिया की नजरों में मर के भी अभी तक जिंदा हैं, हम तो कभी मरे ही नहीं थे। नहीं समझे अर्जुन से? जी मालिक। जरा समझा दो। जी मालिक। तो मिस्टर गिरधर, वो हुआ यूं कि आपके बेटे ने गोलियां तो अपने हाथ से ही चलाई थी और पिस्तौल भी असली था, मगर उस असली पिस्तौल के अंदर गोलियां यानी कि बुलेट्स जो थी वो, हाँ समझ गए ना? नहीं समझे? देखिए, अब जैसे कि मैं आपके बेटे को गोलियां मारता हूं। नहीं, देखा बच गया ना? अब जब ये पाजी नहीं मरा तो हमारे राजा बाबू कैसे मर सकते थे? एज बिकॉज दिस इज द सेम रिवॉल्वर दैट वॉज यूज बाय मिस्टर विजय मर्चेंट एंड मिस्टर विजय हजारे। नहीं सर, लेकिन आपके साथ। अरे राजकुमार, सुना है ना तुम्हें, 100 सुनार की और 1 लोहार की, अब कोई चीज नफी नहीं है, ना तो इस पिस्तौल में गोलियां और ना ही इस पेन की स्याही। अब तुम इन पेपर्स पर साइन करोगे। चलो चलो, वैसे भी तुम्हारे बाद जायदाद का वारिस मैं हूं। चलो यहां बैठो और साइन करो। अच्छा है कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाए, ताकि तुम्हारे बाद कानून को कोई तकलीफ ना हो। बैठो। तेरे से तो अभी मुझे अपने बेटे का भी हिसाब करना है। तुमने हमारे होटल में हम कहा थे? हाँ आए कौन? तलवार सेठ। बेटा, नाम तलवार है और करते हो इंटर कुंजियों की चमचागिरी। न रहेगी नाक, ना बैठेगी मक्खी। पुन्नो, मैं ये कह रहा था कि ये तुमने बहुत अच्छा किया कि राजा बाबू को जाके तुमने क्या कर रहा। अरे जबरदस्ती क्यों करेगा? पुन्नो पुन्नो, फिर निशाना गलत है, लग गई। हाँ, ये पोजीशन ठीक है,
सुनो, हम कहां थे? तो आपको इस वसीयत पर दस्त, अरे पुन्नो वहां क्या खड़ी है? आओ घबराओ नहीं, अपने दौलत ही की है। हाँ तो आपको इसमें दस्तक चाहिए है? ये लीजिए हम वसीयत ही पा लेते हैं, ये रहे आपके दस्तक। मालिक क्या? मालिक विरस्त प्ले पुन्नो अर्जुन सिंह मालिक करो, आई एम सॉरी मालिक। अरे भाई भाई से किरोड़ी मल जी, वो मैसूर का जंगल क्या मक्खियां चल गई तुम्हारी तब? क्या बात है? ओहो सेठ जी, अब इन चार दांतों से काम नहीं चलेगा, हमें तो अब पूरे 32 चाहिए। यहां आइए, यहां आइए। माफ कीजिए, मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था, ये अगर आप इसको ठकने को क्या है? इसे कहते हैं थ्रू दी ग्लास। मैं गद्दारों को जिंदा नहीं छोड़ता। मेरे बताए हुए रास्ते पर कभी मत चलना। राजा बाबू को तेरी जरूरत है, उनका साथ कभी मत छोड़ना। रुक जाओ तो सही। अब अगर मेरे गाड़ी पर हाथ उठाया तो मैं इसका सर धड़साला कर दूंगा। यस, हाँ तो राजा बाबू तुम इधर आओ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम नई वसीयत पर साइन करोगे। आओ। नहीं मालिक, आप नहीं जा सकते। नहीं अर्जुन सिंह, पूनम की जान खतरे में। दैट्स गुड। आ राजा बाबू, होशियारी नहीं आ तो प्रकार। अब अंदर चला, जल्दी दूसरी साइड हैंडल से लॉक करो और चाबी इधर फेंको नीचे। हाँ नहीं सिंह जी, अब आप हमारे राजा बाबू की हथकड़ियां खोल दीजिए, वरना हम आपके डैडी का बहुत कुछ खोल डालेंगे। अबे
समझ गया। हाँ, चाबी सीट के नीचे। आइए आइए बर्फ। आ जाओ बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। मालिक? हाँ भाई, अब तक तो हम मालिक और तुम नौकर थे, और अब से आप मालिक हैं, मैं नौकर। हुकुम दीजिए मालिक। हाँ हाँ, तो मालिक मेरा मतलब है राजा बाबू, सबसे पहले तो आप इस पाजी को इसके बाप के साथ बांध दीजिए। बहुत अच्छा, ताकि मरने के बाद भी ये दोनों गधे एक साथ रहे। अब आगे क्या हुक्म है मालिक? आगे ये हुक्म है कि इस ट्रक में जितने टायर हैं उनकी हवा निकाल दीजिए। जी हुजूर। हाँ तो पापियों, हाँ। अब हमें ये बताओ कि पुलिस स्टेशन यहां से कितनी दूर है? दो मील। और ये आजू बाजू क्या है? जंगल। जंगल, और जंगल में क्या होता है? शेर। अब हम क्या करेंगे? अरे भाई, अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो जो कुछ करना है वो शेर खुद ब खुद आगे करेगा ना। हाँ, और अब हम दोनों यही दुआ कर सकते हैं कि पुलिस आने से पहले शेर आ जाए। आ जाए। बेटी, आज मेरा वचन और फर्ज दोनों पूरे हो गए, मगर जिंदगी के बहुत सारे फर्ज बाकी हैं। मैं चंद दिन के लिए छुट्टी जा रही हूँ। नहीं माँ, अब आप कभी अकेली नहीं जाएंगे, हम सब साथ जाएंगे आपके। अरे वाह, अरे ऊपर वाले, मैं तो शहर में आया था एक पुत्ता लेने, पर तैने तो दो दो दे दिए और साथ में दो दो बहुएं भी। इब मैं तब तक जीऊंगा जब तक ये दोनों दादा नहीं बन जाते। मगर दद्दू, एक बात बताओ, तुम शहर आए कैसे? ये इससे पूछो। क्यों मैं बहरो भाई, मैंने चिट्ठी लिखकर बुलाया था, ये मैं क्यों बताऊं? पर एक मिनट, एक फैमिली फोटो। चलो अर्जुन, चल पीछे चल। हाँ जी, ए रेडी स्माइल। ओ अर्जुन, अरे भाई सूरज सर पे चढ़ा, तू सो रहा है, अभी तक उठ। ओ अर्जुन उठ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जान दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू मेरी जिंदगी बहू, सब कुछ। अरे ओ बहू, अरे बहू जल्दी आ, जल्दी आ। देख भाई, अब ये काम बच्चों को उठाने का तू कर रहा, हमसे नहीं होता, हमको तो अब मालूम होता है कि हम सचमुच बुड्ढे हो गए। तू, तेरा बाप, तेरे